गुड इवनिंग एवरी वन एंड वेलकम टू टेक्स बुक सुपर कोचिंग सभी का स्वागत है छह बजे वाले सेशन में जहाँ पे हम करेंगे आज मॉडर्न इंडिया का दमदार रिवीजन सो लास्ट वीक आपका चल रहा है एग्जामिनेशन का आप बैठे हुए दो तारीख में और तीन तारीख चार तारीख पांच तारीख छह तारीख में आपका एग्जामिनेशन है तो ये समझ लो आप लास्ट वीक के अंदर हो आपके एग्जामिनेशन में चार पांच दिन बचे हुए हैं एंड छह तारीख में आपको एग्जामिनेशन देना है तो इसीलिए हम कर रहे एक बढ़िया बढ़िया मैराथन आज होने वाली है मॉडर्न इंडिया के मैराथन जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लो भाई सभी के सभी स्टूडेंट गुड इवनिंग एवरी वेलकम टू तो टेक्स्ट बुक दीपाली श्रेया मिथिला, सरिता। देन उसके बाद देन उसके बाद हम कहां पे चलते हैं आ, सभी आ गए आर कुमार रविशकर रविशंकर एतशाम वर्षा नमिता सपना रेखा कुलसुम मिथुन सभी के सभी आ जाओ भाई अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर लो सभी के सभी आ जाओ अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर लो सेशन का क्योंकि टाइम हो चुका है हाँ जी आ गए सभी के सभी ओके ठीक है बढ़िया 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 तो लेट स्टार्ट लेट स्टार्ट हां हां जी तो मॉडर्न इंडिया की मैराथन शुरू करते हैं Uh, हमारा टेलीग्राम चैनल अश्विनी सर टेस्ट बुक अगर आपको कभी जुड़ना हो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलती है सो लेट स्टार्ट हमने तीन मैराथन कर, कर चुके नेशनल मूवमेंट क्नोलॉजी वाली कल हमने बुक्स एंड ऑथर्स वाली की थी आज हमारी मॉडर्न इंडिया मैराथन है फिर उसके बाद मेगा मैराथन कंप्लीट हिस्ट्री का फिर मेगा टेस्ट कंप्लीट हिस्ट्री का फिर मेगा टेस्ट तो तीन मेगा टेस्ट वन टू थ्री तीन मेगा टेस्ट आज आपकी मॉडर्न इंडिया की लास्ट मैराथन है उसके बाद हम मेगा टेस्ट ही करेंगे सो गुड इवनिंग एवरी वन रेडी हो जाओ रेडी हो जाओ सभी के सभी स्टूडेंट्स रेडी हो जाओ इधर की तरफ uh, कर लो इधर की तरफ हा रेडी हो जाओ अब शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है एक्लॉजिकली uh, अरेंज करना है कंपनी को एंड uh, दो तीन इवेंट और भी दिए हुए हैं रॉयल चार्टर ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी डेथ ऑफ मुगल एम्पर अकबर देन उसके बाद स्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी तो करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर क्या है हाउ टू कोप विद एंगटी बिफोर द एग्जाम पढ़ते रहो बस पढ़ते रहो और कुछ नहीं है पढ़ते रहो और कुछ नहीं है ठीक है हेल्दी फूड खाओ एक्सरसाइज करो एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी भाई एग्जामिनेशन है ठीक है पढ़ते रहो मेहनत करते रहो हेल्दी फूड खाओ एक्सरसाइज करो एग्जाइटी कुछ याद भी नहीं रहेगी सो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है जल्दी बताओ अभी एंग्जाइटी हो रही है नहीं हो रही क्योंकि आप सेशन के अंदर ऑलरेडी हो अब देखो आपका कैसा सेशन पूरा का पूरा जाता है फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन तो करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर इज बी इज करेक्ट आंसर तो सबसे पहले इसमें इवेंट आपको कौन सा दिख रहा है पोर्तुग ने ऑक्यूपाई किया था गोवा को सबसे पहला इवेंट है देन उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वो इवेंट हो गया सॉरी इसके बाद चार्टर जो मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को वो हो गया फिर उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे आखिरी इवेंट कौन सा इसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाला एंड सबसे उससे पहले है मुगल औरंगजेब तो फर्स्ट एंड लास्ट भी अगर आपको पता है अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट भी पता है तब भी आप क्वेश्चन को क्रैक कर दोगे सबसे पहले पोर्टगीज वाला हो गया और सबसे आखिरी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे आखिरी में आने वाली कंपनी कौन सी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आने वाली कंपनी कौन सी थी पर्तुगीज सबसे आखिरी में कौन सी गई पोर्टुग सेकेंड लास्ट कौन गई फ्रेंच गई तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या है बी इज द करेक्ट आंसर ओके तो गोवा 1510 रॉयल ईस्ट इंडिया कंपनी फिफ्टीन टेन रॉयल चार्टोल सोच ऑन दो डेथ ऑफ मुगल सोलह सो पांच और लास्ट में फ्रेंच ईस्ट सोलह सो चौसठ तो करेक्ट आंसर बी सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फाइव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ध्यान से देखो इसको पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है जिन्ना एक्टेड एज दादा भाई सेक्रेटरी एट द कैलकटा कांग्रेस ऑफ नाइनटीन

देन उसके बाद उसके बाद जिन्ना ने 1923 1923 में ये हो गया 1923 के बाद जिन्ना लखनऊ पैक्ट की समान शर्तों पर कांग्रेस के साथ अपने सहयोग जारी रखना चाहते थे मदन मोहन मालवीय बी एस मुंजे और लाजपत राय जैसे हिंदू महासभा के सदस्यों ने मुस्लिम लीग के साथ किसी भी असम्मन को नामंजूर कर दिया था तो करेक्ट आंसर क्या है इसका बताइए हो गया फाइव स्टेटमेंट बेस्ट क्वेश्चन हो गया करेक्ट आंसर है इसका डी अब इसमें दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है अब आप सोच रहे हो सर क्या दिक्कत है इसके अंदर सारे के सारे स्टेटमेंट क्यों नहीं है ठीक करेक्ट आंसर इसका डी है पहले तो पहला बिल्कुल ठीक है दूसरा भी बिल्कुल ठीक है ठीक है तीसरे में तीसरे में क्या बात हो रही है तीसरे में हो रही है हाँ मुस्लिम लीग पे फोकस हो कर रहे थे ये भी बिल्कुल ठीक है चौथे वाले में दिक्कत है यस 1920 जो नागपुर सेशन कांग्रेस का हुआ था उसके बाद जिन्ना के डिफरेंसेस आने शुरू हो गए थे कांग्रेस से ना कि 1923 यहां पे तीन साल बाद एग्जामिनर ने आपको दिया है ठीक है तो यहाँ पे तो ऑलरेडी जिन्ना जो थे कांग्रेस के साथ नहीं थे यह वाला स्टेटमेंट आपको गलत हो जाता है एंड बाकी बिल्कुल ठीक है तो कांग्रेस तो का सेशन जो नागपुर के अंदर हुआ था आ, यही पे ही डिफरेंस आने शुरू हुए थे जिन्ना के दूसरे कांग्रेस लीडर्स के साथ ठीक है हां जी थर्ड क्वेश्चन पेशवा बाजीराव डाइड एट बिथुर

फाइव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फाइव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा पेशवा बाजीराव दो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है वर्ष अठारह में होलकार एवं अंग्रेजों के मध्य सूर्यरंदन गांव की संधि साइन हुई थी तीसरा सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं नेपाल के राजाओं के मध्य हुई थी अहल्य भाई होलकार की मृत्यु सत्रह में हुई थी महाज सिंधिया ने सिख प्रमुख के साथ एक मैत्री संधि की थी मई सत्रह में तो करेक्ट आंसर क्या है इसका बताइए करेक्ट क्या है इसका क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर मुझे दो स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन के अंदर दिक्कत दिखाई दे रहे हैं तो कौन से दो स्टेटमेंट है जो आपको दिक्कत दिखाई दे रहे हैं करेक्ट आंसर क्या है डी इज करेक्ट आंसर दो स्टेटमेंट जो दिक्कत दिखाई दे रहे हैं पहला सूर्य संधि अठारह सौ तीन में हुई थी लेकिन ब्रिटिश और दौलत राव सिंधिया के बीच में हुई थी ठीक है देन अहल्या बाई की डेथ हुई थी 1795 में जब वो सत्तर साल के दो ये चीजें दिक्कत दी हुई है इसी वजह से करेक्ट आंसर क्या हो जाता है डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट पे चलो अब देखो ध्यान से फॉरेस्ट एक्ट कुछ क्वेश्चंस ना बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व होते हैं तो ये क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन में 2023 में ठीक है अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व होगा फॉरेस्ट एक्ट एन सिक्स मेरली एम्पावर द स्टेट टू असर्ट कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट सोर्सिस

अब वही यूज करनी है आपको हमेशा जब भी आपके सामने पांच स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा ना उसको देख के घबराना नहीं है कि फाइव फाइव स्टेटमेंट स्टेटमेंट बेस्ड बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन आ गया अरे हमने तो हथियार छोड़ पहले ही नहीं फाइव बेस को आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करना है सबसे इजी क्वेश्चन वही होते हैं ठीक है सबसे इजी क्वेश्चन आपके फाइव स्टेटमेंट वाले होते हैं और सबसे मुश्किल होते हैं जो वन लाइनर वाला होता है जो सिंपल आपसे फैक्ट पूछ रहा है हमेशा स्टूडेंट्स को उल्टा ही लगता है उनको लगता है कि जो वन सिंगल लाइनर पूछ रहा है वो ईजी है एंड फाइव स्टेटमेंट वाला आसान है लेकिन उल्टा होता है अब इस क्वेश्चन को देखो आप सिंपल बताऊंगा मैं आपको हिंदी दिखाओ ना अरे ये तो रही हिंदी भाई ये कौन सा उर्दू है हां बताओ सो करेक्ट आंसर क्या है यहां पे? अठारह का वन अधिनियम अठार का वन अधिनियम अठारह का अगेन वन अधिनियम चार पांचों के पांचों स्टेटमेंट जो है 1878 के वन अधिनियम के ऊपर ही बेस्ड है बताइए करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर इज बी आप लोग क्या दे रहे हो आप लोग दे रहे हो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सी भी दिया हुआ है अब देखो ध्यान से देखो ना क्वेश्चन बहुत ही प्यार से बहुत ही प्यार से बहुत ही आराम से देखो देखो देखो

तीसरा एक्ट क्या बोल रहा है तो उनकी स्टेट की मोनोपोली होगी विशेष अधिकार किसके होंगे खाली स्टेट के होंगे तीन स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि भाई स्टेट के हैं स्टेट के हैं स्टेट के हैं और किसी के नहीं है तुम केवल <laughs> स्टेट के हो स्टेट के हो ये कहा हुआ है ठीक है तो यहां पे ये कहा हुआ है केवल स्टेट के हो और किसी के नहीं हो चौथे में क्या बोल रहा है कि यहां पे पीपल को बोला जा रहा है कि आप स्लैश एंड बर्न कर सकते हो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हो अरे जब स्टेट ने बोल दिया कि मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं तो ये बोल रहा है कि आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर दो कैसे हो जाएगा भाई बाहर वालों कैसे अलाउड करेंगे नहीं करेंगे ना फिर देखो पांचवा देखो ग्रेजिंग राइट भी दे रहे हो उनको चराने की भी राइट दे रहे हो तो वो कैसे हो जाएगा नहीं हो पाएगा ना जब उसने कह दिया कि आप मेरे हो तो आप मेरे ही हो फिर क्या हो गया फिर इसका आंसर ए बी सी बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हुआ बी समझे कि नहीं समझे यहां पे बस ये जानना है कि स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है ये दोनों गलत हो गए एंड इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब इसको भी ध्यान से देखो इसको भी ध्यान से देखो यहां पे क्या पूछा जा रहा है फर्स्ट न्यूज पेपर इन इंडिया द बेंगाल गैज इट वॉज ऑल्सो ऑल्सो नोन बाय द नेम कैलका जनरल एडवर्टाइजर ठीक है सेकेंड बंगाल गैजेट्स क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल इट्स सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट वॉज इंट्रोड इन एटीन ओ नाइन सेंसरशिप लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ एटीन ट्वेंटी थ्री वॉज इंट्रोड्यूसड बाई जॉन एडम्स इज एक्टिंग गवर्नर जनरल थर्टी फाइव रिपीट ऑब्नोक्शियस ऑफ एटीन ट्वेंटी थ्री बताइए बताइए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन के अंदर अब देखो आखिरी के कुछ दिनों के अंदर ना मैं आपको उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर ढालने की कोशिश कर रहा हूं जो एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे ऐसे ही सेम वे में तो आपको बस क्या करना है सेशन के अंदर आपकी थिंकिंग वही होनी चाहिए कि सर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे मैं आपको कोई फालतू इधर उधर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं केवल यूजीसी वाले आपको क्वेश्चन कराऊंगा ठीक है जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे तो अपनी मेंटालिटी जो आपकी जो मानसिकता है ना वो अब अब कैसी हो जानी चाहिए कि हाँ मुझे यूजीसी वाले ही करने अब

बताओ सो करेक्ट आंसर क्या हुआ यहां पे यहां पे करेक्ट आंसर है डी अब दिक्कत किस स्टेटमेंट के अंदर है हिक्की तो आपको पता ही है देखो ये हिक्की पिक्की आपको मैं हमेशा पहले बोलता हूं आ, आ, फर्स्ट बंगाल न्यूज पेपर बेंगोल गैजेट बिल्कुल ठीक है ठीक है सेकेंड बंगाल गैजेट क्रिटिसाइज करता था इस वजह से एस्टिंग ने उसको बंद कर दिया बिल्कुल ठीक है सेंसरशिप सबसे पहली बार आया था 1799 के अंदर वेलेस के टाइम पर पे ये हो गया गलत 1809 के अंदर नहीं आया था के टाइम पर वे सत्रह सो एक्टिंग गवर्नर जनरल थे बिल्कुल ठीक है प्रेस एक्ट जिसको मेटकाफ भी बोलते हैं मेटकाफ ने प्रेस को जो लिबरेट कर दिया था आजादी दे दी थी उसके बारे में पूछा जा रहा है ठीक है तो ये भी बिल्कुल ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हुआ डी इज द करेक्ट आंसर समझे कि नहीं समझे सारा का सारा प्रेस के ऊपर है के प्रेस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई प्रेस के ऊपर आपका हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आना है फाइव स्टार मार्क कर लो इसको प्रेस के ऊपर आपका हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आना है ना आए तो एग्जामिनेशन हॉल के बाद सर बोल देना ठीक है कि प्रेस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया ओके okay? <laughs> बोल दे मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके सर प्रेस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया वो आप सबको याद रहेगा वेलेसली से लेके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सारे के सारे आपको जो प्रेस अधिनियम है जो प्रेस एक्ट है वो याद होने चाहिए ठीक है हंड्रेड परसेंट आएगा फाइव स्टार वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट देखो फिर जनरल सर्विस इंडिस्टमेंट एक्ट अठारह के ऊपर भी हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आएगा ठीक है एग्जामिनेशन के बाहर निकल के मुझे बोल देना कि के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया ओके जनरल सर्विस इंडिस्टमेंट एक्ट देन उसके बाद रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट तीसरा पोस्ट ऑफिस एक्ट देन चौथा चौथा इंडियन सामने एक्ट अठारह सौ अठहत्तर अठारह सौ छप्पन अठारह सौ पचास अठारह सौ चौवन बताइए हाँ जी हिंदी के अंदर देखो फटाफट सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम आधारिक सक्षमता अधिनियम पोस्ट ऑफिस अधिनियम भारतीय सशस्त्र अधिनियम अठारह सौ अठहत्तर अठारह सौ छप्पन अठारह सौ पचास अठार सौ चौवन हां जी बताइए अरे आप भी एग्जाम जब आपका भी खत्म हो जाएगा तो आप आराम से मुझे मैसेज करोगे ना सबका एक साथ ही खत्म होगा हाँ आप मैसेज करके मुझे बताना ग्रुप आपके पास ऑलरेडी है ग्रुप के अंदर ही मैसेज कर देना कि सर जो पढ़ाया वही आया करेक्ट <laughs> आंसर क्या है बीस आंसर तो अट्ठारह का जो कॉज के अंदर आता है 1857 के कॉज के अंदर क्या क्या आता है जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट आता है ना जनरल सर्विस सर्विसमेंट आता आता है कि नहीं आता है ठीक है आता है बिल्कुल आता है क्योंकि इससे बोलने गया था कि आपको हम कर कहीं भी भेज सकते हैं हम आपको कहीं भेज सकते सर्विस करवाने के लिए आपको भत्ता भी नहीं देंगे ठीक है तो ये अट्ठारह से जुड़ा हुआ है रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ये बोल दिया गया था कि भाई जो क्रिश्चियन अगर आप क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करते हो तो आप अपने फोर फादर्स की जमीन ले सकते हो बोला गया था अट्ठारह के बड़े कारणों के अंदर आता है बिल्कुल आता है कब आया था अट्ठारह के अंदर आया था पोस्ट ऑफिस एक्ट अट्ठारह हो गया ये अट्ठारह से नहीं जुड़ा हुआ है ठीक है अट्ठारह हो गया इंडियंस आर्म्स एक्ट के टाइम पे तो करेक्ट आंसर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो भाई अगेन देखो हां अगेन देखो क्वेश्चन बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग है 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 और ये वही वाला क्वेश्चन जहां पे गया था कि देखो अब भाई हम तो नहीं करेंगे ठीक ठीक है इकॉनमी रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा जो है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं ठीक है क्योंकि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है समझ है तो इकॉनमी वाला पार्ट आप सॉल्व कर दोगे लेकिन समझ नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी समझ है तो उसको सॉल्व करो अपने हिसाब से सॉल्व करो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे आई थी फिर उसका चाइना के साथ क्या कनेक्शन था इंडिया के साथ क्या कनेक्शन था ये सॉल्व करना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट ट्रेड कॉन्टैक्ट विद चाइना वो स्टैब्लिड इन चाइनीज गवर्नमेंट कंट्रोल इट क्लोजली रिस्ट्रिक्टिंग टू द पोर्ट सिटी कैंटन चाइनीज ट्रेड मोस्टली इन एक्सचेंज ऑफ सिल्वर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अ प्रॉफिटेबल ट्रेड इन सिल्क एंड टी इन द इनिशियल ब्रिटिश इंडिया कंपनी साइन अ ट्रीटी ऑफ नैंकिंग विद चाइना इन सेवनो वन बताइए अपनी समझ से सॉल्व करना है अपनी समझ से अपनी समझ से सॉल्व करना है आंसर को ठीक है क्वेश्चन को ध्यान से देखो अपनी समझ से क्यों नहीं कर पा रहे हो आप सॉल्व मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा सी आंसर दे रहे हैं भाई लोग काहे सी काहे हाँ सी तो एनटी ने भी नहीं दिया था <laughs> बताओ करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर है इसका ए ए इज द करेक्ट आंसर और एनटी ने दिया था बी अब हमने चैलेंज करने की कोशिश की थी लेकिन वही है एन टी ए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होती किडनी भी चली जाए ठीक है ऐसा लगता है कि चाहे उनकी किडनी मांग लियो तो एक्सेप्ट ही नहीं करते भाई वो ठीक है यार मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही बेसिक चीज़ है बहुत ही बेसिक चीज है ठीक है पहला स्टेटमेंट कोई दिक्कत नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड कॉन्टैक्ट चाइना के साथ सत्रह के अंदर स्थापित हुआ था दूसरा स्टेटमेंट कैंटन से कैंटन जो उनकी मेन कैपिटल सिटी थी वहीं से उनका व्यापार होता है कोई दिक्कत नहीं है सिल्वर अब देखो अब खुद ध्यान से देखना आप खुद ही बताना मुझे आप खुद ही बताना मैं ये नहीं बोल रहा कि चलो हम हम जज कर रहे हैं इंटरव्यू खुद ही बताना आप चाइनीज ट्रेड मोस्ट इन एक्सचेंज ऑफ सिल्वर यहां पे क्या बोला जा रहा है कि चाइना वाले जो लोग थे वो हमेशा गोल्ड और सिल्वर ही लेते थे ठीक है यहां पर सिल्वर लिखा हुआ है यहां पर यह नहीं लिखा ओनली सिल्वर तो ये ठीक है इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है वो हमेशा गोल्ड और सिल्वर लेते थे और कुछ लेते नहीं थे ठीक है तो इस वजह से उनके साथ ट्रेड करना ना मुश्किल हो जाता था, था, था अंग्रेजों के लिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेड ग्रो ऑन अ प्रॉफिटेबल ट्रेड जब चाइनीज यहाँ पे सिल्वर एक्सचेंज कर रहे हैं खाली और कुछ ले ही नहीं रहे थे तो प्रॉफिटेबल कैसे हो गया मुझे बताओ आप जो एंटी ने कहा था कि उनका प्रॉफिटेबल ट्रेड था इनिशियल फिफ्टी ईयर्स में प्रॉफिटेबल कहां से हो गया मुझे बताओ प्रॉफिटेबल का तो कोई पॉइंट ही नहीं जब यहां पे आप ये बोल रहे हो कि प्रॉफिटेबल यहां पे एक्सचेंज कर रहे हो सिल्वर गोल्ड और सिल्वर जब आप देते थे ना वहां चाइना को तो आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं था आप लॉस में जा रहे थे तभी तो ओपियम वॉर्स हुए थे तभी तो ओपियम की स्मगलिंग आपने करनी शुरू की थी तो यहां पर क्यों बोल रहे हो कि भाई हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल था प्रॉफिटेबल था तो आपने ओपियम की स्मगलिंग क्यों की बताओ पूछो उनसे ओपीएम की स्मगलिंग क्यों की ठीक है स्मगल करते थे वहां से पैसे लेके आते थे फिर फाइनेंस करते थे व्यापार तो यह गलत हो जाता है ठीक है ट्रीटी ऑफ़ तो काफी लेट साइन की गई थी ओके okay, तो करेक्ट आंसर क्या है ए इज द करेक्ट आंसर समझे कि नहीं समझे ए इज द करेक्ट आंसर ट्रीटी ऑफ नैंकिंग ट्रीटी ऑफ नैंकिंग 1842 इसने फर्स्ट ओपियम वॉर को खत्म किया था समझे कि नहीं समझे ना नेक्स्ट देखो

अंग्रेजों ने वर्ष सोलह में मद्रास में में एक व्यापारिक चौकी निर्मित की थी बंदोबस्त को स्थानीय के बंदो संबंधी केंद्र बन गया था जहां पर अधिकांश यूरोपियन वासी रहते थे किसी का रंग धर्म निर्ण नहीं निर्धारित करता था किसे फोर्ट सेंट जॉर्ज में रहने की अनुमति प्रदान की जाएगी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको प्रॉब्लम लग रही है क्वेश्चन को आ वो थोड़ा ध्यान से देखे आई नो काफी क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम लग रही होगी कि भाई फाइव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया अगेन हार्ट अटैक आ जाता है फाइव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को देख के तो बताइए सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर अरे जो मैंने बताया एग्जाम हॉल में आपको वही समझना है अभी एक बार उनसे गलती हुई है दोबारा गलती नहीं होगी आई होप ऐसा ही है ठीक है <laughs> तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर समझ गए सभी सी इज द करेक्ट आंसर ई को इलिमिनेट कर दो बाकी सारे ठीक है तो ब्लैक टाउन ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन ग्रे टाउन ग्रे टाउन और वाइट टाउन जो ग्रे और ब्लैक टाउन होते थे ना उसको जहां वो होते थे जहां पे हिंदुस्तानी लोग रहते थे वाइट टाउन वो होते थे जहां पे जहां पे अंग्रेज रहते थे हा, हाँ वहां पे पोर्तुगिज भी रह सकते थे ध्यान देना इस चीज को यहां पे ना एग्जामिनर आपको अगेन ट्रिक कर सकता है व्हाइट टाउन में ये बोल देगा खाली आ, खाली अंग्रेज ही रहते थे नहीं भाई वहां पे आप पोर्तुगेज के साथ भी रह सकते हो डच के साथ भी रह सकते हो अपने किसी भी दुश्मन के साथ रह सकते हो ठीक है बस हिंदुस्तानियों के साथ नहीं रहेंगे है ना चाहे फ्रेंच की उस उस उसी टाइम पे फ्रेंच के साथ उनकी लड़ाई चल रही हो है ना लेकिन वो उनके साथ रहने के लिए रेडी थे बस हिंदुस्तानियों के साथ नहीं रहेंगे ठीक है मेट्रिन शादी वगैरह सब कर लेंगे लेकिन हिंदु अंग्रेजों के साथ ही करेंगे गोरे गोरों के साथ करेंगे और किसी के साथ नहीं करेंगे तो रिलीजन एंड कास्ट रिलीजन एंड कलर डिड नॉट डिटरमाइन अलाउड इन द सेंट जॉर्ज गलत हो जाता है कलर एंड रिलीजन ही डिटरमाइन करता था तो ये गलत है एंड बाकी सारे स्टेटमेंट सही है बाकी सारे स्टेटमेंट सही है तो ये वाइट टाउन था यहाँ पे खाली अंग्रेज रहा करते थे तभी इसने कहा यूरोपियंस देखो यहां पे भी इसने यूरोपियन ही कहा हुआ है यूरोपियंस यूरोपियंस तो so, नेक्स्ट एग्जामिनेशन के अंदर वो बोल सकता है कि ब्रिटिश और पोर्तज कुछ भी कर सकता है

आ, हमेशा पार्लियामेंट के अंदर इनका शोर मचता था सबसे पहले तो इनकी क्यों इनको मोनोपोली के अधिकार दिए हुए हैं ठीक है हमें भी अलाउड है चाहिए, सब फ्रीली ट्रेड करने चाहिए हम क्यों नहीं कर सकते फ्रीली ट्रेड तो हमेशा इनके ऊपर ये आरोप लगते थे इसीलिए ही एक फिफ्थ रिपोर्ट आई थी और फिफ्थ रिपोर्ट के ऊपर आपको यहां पे दे दिया सबमिट की गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर 1815 में सौ उसके बाद आ, हजार हजार दो पेज की थी आठ सौ पेजेस जो थे जिसके अंदर जमींदार किसान उसके बारे में जिक्र किया हुआ था ठीक है वगैरह के बारे में जिक्र किया हुआ था फिफ्थ रिपोर्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई सेलेक्ट कमेटी बताइए करेक्ट आंसर क्या है सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इज ये रिपोर्ट को प्रिपेयर मतलब इसको कहा गया था कि 1810 में ये फिफ्थ कमिटी आई थी और इसने 1813 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करके दे दी थी दो साल एग्जामिनर ने यहाँ पे ट्विस्ट करके दे दिया ध्यान रखना एग्जामिनर की थिंकिंग समझो हमेशा जब भी क्वेश्चन पढ़ो ना हमेशा याद रखना कि एग्जामिनर जो है साल के अंदर सबसे ज्यादा ट्रिक करता है ठीक है यहां पे उसने अठार सो पंद्रह दिया बस यही ट्रिक खेली उसने क्योंकि अठारह सौ तेरह था अठारह सो तेरह के अंदर रिपोर्ट सबमिट की गई थी अट्ठारह दस में इनको कहा था कि चलो जाके जांच पड़ताल करते और में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी तो करेक्ट क्या हुआ यही है है करेक्ट है, बाकी सब ठीक तो जब भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठोगे ना कोई भी स्टेटमेंट आए स्पेशली साल वाली तो उसके ऊपर आपका थोड़ा सा ज्यादा ध्यान होना चाहिए समझ गए साल वाली स्टेटमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए आपका तो करेक्ट आंसर क्या है ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट

हिंदी के अंदर भी टी आर होम्स ने इस मत को लोकप्रिय बनाया के अठार सत्तावन का विद्रोह सभ्यता एवं बरबर लोगों के बीच लड़ाई थी सावरकर आरसी जॉन हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन है 100 के ऊपर अगेन मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर ना आए तो आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकल के बोल देना कि के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया इनफैक्ट अपनी नोटबुक के अंदर आप साइड में लिख लो उन टॉपिक की लिस्ट जिसके ऊपर हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आएगा ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है इसका आप लास्ट वाले स्टेटमेंट को हटा दो बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं तो 1857 के रेस्पेक्ट में जो इतनी बातें की गई हैं टी आर होम्स बोलते हैं कि सिविलाइजेशन बारबेरिज्म इसके बीच की लड़ाई थी वरबर तो हम हो गए वो तो सिविलाइज थे ठीक है वो तो सिविलाइज सबसे ज्यादा सिविलाइज वो ही थे ठीक है तो टी आर होम्स यही बोलते हैं बेंजामिन डिजाइली बोलते हैं कि नेशनल प्राइजिंग थी वीडी सावरकर बोलते हैं इंडिपेंडेंस का वॉर था आरसी मजूमदार ने मना कर दिया जॉन सीली बोलते हैं Again, examiner, ऐसे के ट्रिक करता है, the of बन जाओगे तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी आई क्वेश्चन पेपर बनाने की तो आप भी यही सब करोगे देखोगे की जौन सिले की स्टेटमेंट है यहां पर लिखा हुआ ने अनको हटा दोगे और कॉपी पेस्ट करके दे दोगे ठीक है तो यही तो होता है एग्जाम्पल एग्जामिनर भी तो उसको भी तो कुछ और करना है हा? उसको भी तो बाहर घूमना है उसको भी तो मैच वैच देखना है तो क्या करता है जल्दी जल्दी क्वेश्चन बना देता है तो पे उसने अन 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 हटा 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 दिया दिया दिया, दिया और उसने बना के दे दिया इनके पास क्वेश्चन और क्वेश्चन में मुश्किल बन गया इसलिए क्वेश्चन आसान था उसने भी अच्छा क्वेश्चन बना दिया सारे स्टेटमेंट देकर एक क्वेश्चन को उसने बना दिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो ये क्वेश्चन है किस चीज के ऊपर कम्युनिस्ट एंड वर्ल्ड वॉर टू when world war ii broke out, the indian communists continued their united front policy against all type of imperialism. when hitler attacked the soviet union, communists in india staged a right about turn and re the war as people's war. communists in india extended all possible support and even acted as a british spies in suppressing the popular revolt of 1942. then government of india rewarded the communist party of india by declaring it as legal organization. लास्ट में इट क्लियरली डेमोस्ट्रेटेड सी पी आई पॉलिसी डिसीजन वैक्टेड बाय आउटसाइड इंटरनेशनल वायर पुलर्स अभी देखो मैं एक चॉकलेट वाला क्वेश्चन आप सब सब लोगों से पूछूंगा ठीक है हाँ कल कल एक स्टूडेंट ने एग्री कर लिया कि वो चॉकलेट लेने के लिए रेडी है ठीक है कल एग्री किया है तो आ, मैं उनको चॉकलेट वाला अपनी जो बोला हुआ है मैंने वो फुलफिल करूंगा ठीक है ये भी चॉकलेट वाला क्वेश्चन है तो रेडी हो जाओ अभी आंसर करने के लिए चॉकलेट वाला क्वेश्चन आ रहा है सवाल ठीक है हाँ जी हिंदी के अंदर देखो निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको यह बताना है तो जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी तो भारतीय साम्राज्यवाद ने आ, सभी प्रकार के साम्राज्यवादियों के प्रति अपने संयुक्त मोर्चे की नीति को जारी किया तेन दूसरा जब हिटलर ने सोवियत संघ का आक्रमण किया तो भारत के साम्यवादियों ने एक विपरीत पक्ष अपना लिया और इस युद्ध में जन युद्ध के रूप में पुनर्चिन्हित किया चौथा तीसरा भारत में साम्यवादी ने सभी संभावित समर्थन का विस्तार किया के उन्नीस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों के जासूस के रूप में कार्यतर किया पांचवा यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि सीपीआई की नीतिगत निर्णय को बाहरी अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के माध्यम से अधिवेशित किया जाता था तो करेक्ट आंसर क्या है बताइए एबीसी बी सी डी ए बी सी डी ई एक मिनट एक मिनट रुको मैं ऑप्शन दिखा देता हूं ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई ए बी डी ई ठीक है यहां पे गलत है ठीक है लास्ट वाला क्या था ए बी सी ए बी डी ई ऑप्शन प्लीज यहां पे देखो सभी के सभी ऑप्शन यहां पे देखो ए बी डी ई ए बी सी अरे किधर गई एक मिनट रुको ए बी डी ई ए बी डी ई ए बी सी ए बी सी डी ई आखिरी वाला कौन सा है ए बी सी ए बी सी डी अच्छा ए बी सी डी आखिरी वाला ए बी सी डी है ठीक है ठीक है आखिरी वाला है ए बी सी डी ठीक है ये ऑप्शन है ओके अब ध्यान से देखो बताइए ओके 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 अच्छा गलत जगह आ गया क्या क्या दिक्कत हुई ऑप्शन के अंदर सी ए बी सी डी ई ए बी डी ई डी ई अच्छा यहां पे ई e नहीं है बस ठीक है हाँ अब बताओ बताइए भाई करेक्ट so, आंसर क्या है यहां पे करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर है सारे स्टेटमेंट जो है सही है किसी भी स्टेटमेंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है किसी भी स्टेटमेंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पे यहां पे देखो क्या था जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक यस yes, एक इलिगल ऑर्गेनाइजेशन थी उसको लीगलाइज किया गया था 1942 के अंदर ओके ये बिल्कुल ठीक है जब वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हुई थी, थी ना तो इंडियन कम्युनिस्ट ने अपनी वही उनकी नीति थी कि जो साम्राज्यवाद है उसके खिलाफ हम है इंपीरियलिज्म खिलाफ हम है बिल्कुल ठीक है लेकिन जैसे ही हिटलर ने अटैक कर दिया सोवियत यूनियन के ऊपर तो उनकी पॉलिसी चेंज हो गई उन्होंने कहा कि भाई हम जो है रेडी है पीपल्स वॉर को लड़ने के लिए ये जनता का वॉर है फासिज्म के खिलाफ तो हम रेडी हैं आपके साथ लड़ने के लिए बिल्कुल ठीक है ठीक है देन चारों तरफ स्पाइज भी बन गए थे वो अंग्रेजों के लिए अंग्रेजों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था अंग्रेज उनको रिटेलिएट करते और बोलते हैं कि सर बहुत बढ़िया आप आपको आप इीगल थे अब लीगल हो गए तो सही है तो ये दिखाता है कि सीपीआई की पॉलिसी क्या थी आउटसाइड और इंटरनेशनल वायर पुलर से अट्रैक्टेड थे तो करेक्ट आंसर क्या है है ए ए बी बी सी 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 डी डी ई ई सारे सही इज द करेक्ट आंसर ओके ओके सी सी इज इज द द करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर तो भाई चॉकलेट वाला जो क्वेश्चन था आपको ये बताना है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो इीगल कब डिक्लेयर की गई थी इीगल कब डिक्लेयर की गई थी जल्दी बताओ फटाफट बताओ टॉपिक नहीं क्वेश्चन बताइए क्या आएगा नहीं नहीं मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया है ना मैं आपको जाके बता दूं कि ये आया क्वेश्चन पेपर हाँ बताओ भाई जल्दी <laughs> बहुत बढ़िया भाई विनीत मिश्रा ने सबसे पहले ही बता दिया क्वेश्चन 1934 के अंदर 1934 के अंदर इलीगल डिक्लेयर की गई थी बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया तो विनीत मिश्रा को चॉकलेट मिलेगी और इस बार जो चॉकलेट मिलेगी वो है मैं लेके आया हूँ आज ठीक है है ये कौन सी वाली है अमूल वाली अमूल वाली अमूल वाली चॉकलेट है स्मूथ मिल्क 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 लगती है ये ठीक है आज थी मैंने मिल्क मिल्क लगती है ये ये बढ़िया थी ये, आ, मिल्क वाली है तो करेक्ट आंसर क्या है नाइनटीन थर्टी फोर बहुत बढ़िया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सो विच रेगुलेशन गेव द जमीनदार राइट टू सीज प्रॉपर्टी ऑफ द टेनेंट्स इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेंट विदाउट एनी परमिशन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ बताइए रेगुलेशन 1799 1812 रेगुलेशन 1800 1802 और रेगुलेशन 1798 1806 रेगुलेशन 1801 1806 बताइए क्या करना पड़ेगा चॉकलेट लेने के लिए आपको खाली मैसेज ही करना है कि सर मैं चॉकलेट लूंगा ठीक है लेकिन उसी कंडीशन है आपको खाते हुए उसकी फोटो खींच के देनी है जिससे मैं सारे ग्रुप्स ग्रुप के अंदर भेजू ठीक है सो करेक्ट आंसर यहां पे क्या है करेक्ट आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर यहां पे देखो जो 1793 के अंदर अगर आप परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बात करते से जुड़ा हुआ था एक रेगुलेशन मतलब जो परमानेंट सेटलमेंट था उसके अंदर भी काफी बदलाव हुआ था जैसे कि 1799 और 1812 के अंदर जो रेगुलेशन आई थी ना उससे यह कहा गया था कि जो जमींदार है वो टेनेंट्स को निकाल सकता है जमीन से क्यों? क्योंकि अगर वो उनको लैंड रेवेन्यू देखो तो जमींदार निकाल सकता है तो ये रेगुलेशन कब आई थी सत्रह सो निन्यानवे अट्ठारह बारह के अंदर ठीक है तो करेक्ट आंसर ए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट तो कौन सा सही है कौन सा सही है ठीक है तो कराची सेशन ऑफ मुस्लिम लीड अडोप्टेड द स्लोगन डिवाइड एंड क्विट देन उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट म्यूटिनी ऑफ इंडियन नेवल रेटिंग बिगेन इन फेब्रवरी 1946 इन बॉम्बे लॉर्ड माउंट बेटेड नेहरू टू तो फॉर्म एन इंट्रीम गवर्नमेंट इन ऑगस्ट नाइन फोर्टी सिक्स दैन वी एज करेजिडेंट ऑफ हिंदू महासभा इन नाइनटीन स्टील फ्रेम स्पीच वॉज डिलीवर्ड बाय लॉयड जॉर्ज बताइए चॉकलेट का पर खाली है अरे तो कौन सा मैं यही चॉकलेट थोड़ी ना दे रहा हूं भाई ये तो डब्बा है ठीक है हां जी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पे मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन ने और छोड़ो नारे का का किया था भारतीय नौसैनिक रेटिंग रेटिंग्स विद्रोह बॉम्बे में फरवरी 1940 में शुरू हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन ने अगस्त में एक अंतिम सरकार गठन करने के लिए को आमंत्रित किया था देनविडी सरकार ने उन्नीस में हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुना गया था लॉर्ड जॉर्ज ने स्टील फ्रेम भाषण दिया था तो करेक्ट आंसर क्या है इसका बताइए सो करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है उस टाइम पर तो माउंट बेटन थे भी नहीं ये गलत हो गया बस खाली ये गलत हो गया और बाकी सारे ठीक है तो ए बी डी टाइम पर बिल्कुल गलत दे दिया उन्होंने कराची सेशन बिल्कुल ठीक है म्यूटनी इंडियन ने देखो 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 आप कहते हो कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के आते हैं अगर आपने मेरे साथ जो क्रोनोलॉजी वाली सेशन किया था याद है ना जो हमने क्रोनोलॉजी वाला सेशन किया था आपने देखा था उसमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए आपसे एग्जैक्ट पूछा गया था कि कौन सा आ, साल है एंड एग्जैक्ट ये पूछा गया उसमें 1946 के सारे इवेंट आपके सामने दे दिए थे याद है ना 1946 के सारे इवेंट यहां पे दे दिए थे यहां पर क्या पूछा है म्यूटनी ऑफ आई एन रेटिंग बिगेन इन फेबर फोर्टी इन बॉम्बे तो आया था कि नहीं आया था ये 2022 का क्वेश्चन है 2023 में आया था ये, ये ही 2022 का ही क्वेश्चन 2023 में आया था जून में 1946 के सारे इवेंट वही रिपीट कर दिए थे और यहाँ पे ये एग्जैक्ट पूछा गया था आपको फरवरी पता होना था 1946 ठीक है याद आया कि नहीं आया जिनके याद नहीं आया भाई देख लो क्या हाल हालात होने वाली है बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन सो क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है सूरत वड़गांव मैंगलोर पुरंदर सलबाई बताइए क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है सूरत वड़गांव मैंगलोर पुरंदर एंड सलबाई सो करेक्ट आंसर यहां पे क्या है सी इज करेक्ट आंसर रटी होनी चाहिए ट्रीटीज आपकी 1775 सूरत उसके इमीडिएटली बाद पुरंदर फिर 1779 में वड़गांव इमिडियटली टू मैंगलोर 1784 तो करेक्ट करेक्ट आंसर क्या है सी इज करेक्ट आंसर ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली कब खोई उन्होंने मुझे लग रहा है कि मोनोपोली पे इस बार क्वेश्चन आने वाला है मोनोपोली पे इस बार क्वेश्चन आने वाला है और यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है चाइनीज ट्रेड की चाइनीज ट्रेड की तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे देखो गड़बड़ कर दिया ना आपे? आप पे आप ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन में भी गड़बड़ कर रहे हो कितने लोगों ने ए आंसर दिया हुआ है ए क्यों होगा क्यों कर रहे हो ऐसी गड़बड़ आप लोग मुझे बताओ उसमें क्लियरली मेंशन क्या हुआ चाइनीज चाइनीज अरे बाबा और, कि, और कितना वो बोले कितने बोल्ड वर्ड्स में दिया हुआ है ऐसी मिस्टेक आप कैसे कर सकते हो आप एग्जामिनेशन के अंदर भी ये मिस्टेक करोगे 1833 18, में 1833 में फर्क है 18, में मोनोपोली कोई थी इंडिया की ट्रेड के ट्रेड साथ लेकिन चाय और चाइना छोड़ दिया था एंड 1833 में चाइना के साथ भी कंप्लीटली खत्म हो गई थी तो करेक्ट आंसर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर आंसर किस बात की जल की जल्दी है भाई देने अपने दिमाग के अंदर आंसर सेट करो क्वेश्चन को ईमानदारी से करो कौन सा स्टेटमेंट गलत है कौन सा स्टेटमेंट गलत है देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है अमृत बाजार पत्रिका बंगाली पेपर था समाचार दर्पण एक वर्णाकलन न्यूज पेपर था और वॉरन के टाइम पर वो शुरू हुआ था बॉम्बे टाइम्स बिकेम द टाइम्स ऑफ इंडिया द गैजेट द वीकली न्यूज पेपर वो स्टार्टेड बाई हिक्की। बताइए करेक्ट आंसर क्या है देखो हिक्की बेंगोल गैजेट हिक्की कितनी बार आया वो रिपीट होके करेक्ट okay? आंसर क्या है सो बी इज द करेक्ट आंसर अठारह वॉरन अठारह के टाइम पर नहीं था 1818 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी उसके द्वारा शुरुआत की गई थी इसके रेटर पहले कौन थे जॉन क्लार्क मार्चवन ठीक है और यह पब्लिकेशन बंद कब हुआ था 1841 थारस के अंदर बंद हो गया था कौन सी भाषा में लिखता था बंगाली के अंदर लिखता था इसको हेडक्वार्टर कहां पे था सिरमपुर बैप्टिस्ट मिशन प्रेस सिरमपुर बंगाल के अंदर था यह वीकली न्यूज़पेपर छपता था ओनर कौन था बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी थी तो करेक्ट आंसर बी नेक्स्ट देखो ट्रीटी बेस्ड अलाहाबाद मद्रास पुरंदर मैंगलोर क्वेश्चन आएंगे यस yes, ट्रीटी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन के अंदर ऐसे ही मैच में ऐसे ही क्रोनोलॉजी में मिस नहीं करना है मिस नहीं करना है देखो पेपर तो होता है डिफिकल्ट ठीक है पेपर हमेशा ही डिफिकल्ट आता है अब हमें क्या करना है डिफिकल्ट आएगा तो क्या करना है उन क्वेश्चंस को तो एटलीस्ट सॉल्व करो जो आसान है अब देखो मैं एनालिसिस करूंगा एनालिसिस के ऊपर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो इतने सारे स्टूडेंट्स मैसेज करेंगे सर इतना मुश्किल पेपर आया इतना मुश्किल पेपर आया हर साल की कहानी अरे भाई मुश्किल ही आता है हाँ ढाई सौ लोगों को उनको जे आर एफ देना है ढाई सौ लोग से ज्यादा ज्यादा लोगों को जे आर एफ देंगे नहीं तो क्या आसान पेपर बना देंगे वो अगर उनको हजार जे आर एफ देने होते पंद्रह सौ जे आर एफ देने होते तो आसान पेपर बना देते लेकिन पेपर मुश्किल ही आता है क्योंकि ढाई सौ लोगों को ही जे आर एफ देना है ठीक है तो ये मत सोचना कि पेपर आसान आएगा क्वेश्चन आपको बीच बीच में आसान मिलेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जो मिलेंगे ना उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है तो यहां पे क्या है C, पक्का, B, भी दिया हुआ कुछ लोगों ने तो करेक्ट आंसर अलाहाबाद की संधि सेवनटीन बिल्कुल ठीक है अरे इसी से हो गया दो जगह दिया हुआ है ठीक है मद्रास हो गया सेवनटीन मैसूर के साथ ठीक है पुरंदर हो गया सेवनटीन सेवनटीन पुरंदर क्या है? अभी देखो अभी देखो मैंने आपको सूरत भी पढ़ा है था पुरंदर सूरत सूरत के बाद ही पुरंदर हुई थी और मैंगलोर आट, आ, 1884 में मैंगलोर मैसूर के साथ ठीक है मद्रास मैसूर के साथ ये मराठास के साथ और ये बंगाल में ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट बताओ असर्शन रीज़न अब सबको आ गए असर्शन रीज़न सबको आ गई ना कल हमने एक स्पेशल सेशन किया था ठीक है सेश, स्पेशल सेशन किया था बताओ अरे ये चॉकलेट क्वेश्चन कैसे हो जाएगा चॉकलेट क्वेश्चन एक ही आएगा सेशन के अंदर ठीक है प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन टू कोलोनलिज्म वाज अंडर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी 1757 से 1856 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नेक्स्ट ऑल द इंडियन टेरिटरीज डायरेक्टली अंडर इट्स कंट्रोल बताइए असर्शन रीजन कल हमने किया था ऑप्शन देखो अरे कैसे मिस्टेक कर सकते हो यार आप लोग हां ऐसे <laughs> कैसे पॉसिबल है सी 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 दिए जा रहे हैं सभी लोग ऐसे कैसे पॉसिबल है कि भाई अभी भी आप लोग मिस्टेक कर रहे हो मतलब सौ क्वेश्चन का कल मैंने एक सेशन लिया था बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर क्रोनोलॉजी के ऊपर भी उसके बाद मुझे पर्सनली भी इतने सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि सर क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन अब हमें आने शुरू हो गए हैं कॉमेंट सेक्शन भी पूरा भरा हुआ था यूट्यूब वाला ठीक है फिर भी गड़बड़ कर रहे हैं लोग ऐसे कैसे भाई ऐसे तो नहीं चलेगी बात हाँ ऐसे तो बात नहीं चलेगी ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो ये गलत है ये गलत है सेकंड स्टेटमेंट पहले ऑप्शन देख लो उल्टे सीधे तो नहीं है ऑप्शन उल्टे सीधे है तो उसके हिसाब से चलो

मेन रीज़न क्या है चार स्टेटमेंट दिए हुए हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड रेवेन्यू पॉलिसी नॉट ओनली सब अप्रूविडर रिप्रेजेंट बट ऑल्सो डिस्ट्रॉइडर ऑफ द कंट्री द बेनिफिशरी ऑफ द न्यू रेवेन्यू पॉलिसीफाइड ऑल ऑफ द अबव बताइए एग्जाम में इंग्लिश से हिंदी कर सकते हैं एग्जामिनेशन जो है इंग्लिश इंग्लिश तो आप इंग्लिश चूज कर लेना तो इंग्लिश में आ जाएगा वरना आप हिंदी चूज करना तो जब आप हिंदी चूज करोगे ना तो आपको इंग्लिश में भी मिलेगा और वो हिंदी के अंदर मिलेगा ठीक है प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थे जो तो ब्रिटिश ने डायरेक्टली अनेक्स नहीं किया था मतलब अपना हत्या नहीं था ठीक है वो ऐसे रखा हुआ था कि वहां पर प्रिंसिपल रहते थे वो अपने हिसाब से रूल करते थे लेकिन एक अंग्रेजी रेजिडेंट वहां पर रहता था तो करेक्ट आंसर क्या है सारे स्टेटमेंट सही है डी इज द करेक्ट आंसर अवध जो था हॉटबेड था रिवोल्ट का ये याद रखिएगा क्यों था अवध हॉटबेड रिवोल्ट का क्योंकि मोस्ट ऑफ द आर्मी जो थी अवध से रिक्रूट की जा रही थी ओके okay? तो बंगाल जो आर्मी हुआ करती थी अवध से रिक्रूट की जाती थी अवध एक ऐसी जगह थी जहां से आर्मी आती थी, थी आर्मी आर्मी के सबसे ज्यादा ग्रिविंसिस थे

नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सैयद अहमद खान की डेथ मदन लाल शॉर्ट कर्जन विली चेपिकर ब्रदर मर्डर द क्रूल आ, प्लेग कमिश्नर एंड एंड लेफ्टेंट एयर्सनेशन दरबार इन ऑर्डर ऑफ जॉर्ज फिफ्थ हेल्ड डेली बताइए सो करेक्ट आंसर क्या है यहां पे करेक्ट आंसर इज एज इज द करेक्ट आंसर तो सबसे पहले देख लो सैयद अहमद खान की डेथ 1898 याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है लॉजिकली आ सकता है मदर लाल ढिंगरा 1909 चिपकर ब्रदर 1897 कोरोनेशन दरबार 1911 ठीक है ठीक है समझ में आ गया ओके एक और चॉकलेट वाला क्वेश्चन हो जाए पर यार दो चॉकलेट में बांट नहीं सकता यार क्लास के अंदर ठीक है ज्यादा हो जाएगा <laughs> नहीं नेक्स्ट क्लास के अंदर चलता है एक चॉकलेट एक सेशन के अंदर ठीक है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मकावलेज लॉ कमीशन इनएक्टेड इन सिक्सटी इंडिया सी एज अ लैंड ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म इक्विटी एंड जस्टिस वर सीन टू बी मेटेड आउट इन प्लेस ऑफ वॉट वॉज इमेजिन एज एज डिस्पॉट डार्क एंड सोलम जस्टिस बताइए करेक्ट आंसर क्या है मेकावला का विधि आयोग जो 1860 में गठित हुआ था उसने भारत के पूर्वीय निरंकुशवाद की धरती के विचार को मिटा दिया सामता और न्याय को निरंकुश शासकों के अंत और कटोरे व्यापार के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा तो करेक्ट आंसर क्या है असर्शन रीजन है असर्शन रीजन है ठीक है देख लो पहले ऑप्शन ठीक है नहीं ऑप्शन ठीक नहीं है ठीक है ऑप्शन ठीक ही नहीं है तो पहले तो सबसे पहले क्या करना है ऑप्शन देखना है फिर देखना है कि आंसर कैसे लगाएं तो करेक्ट क्या है सी इज द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर रीजन क्या है करेक्ट होने का कि मकावले की रिपोर्ट आई थी 1835 में उन्होंने पब्लिश कर दिया था लेकिन 1860 के अंदर हुआ किया और, और कहा कि अब हम नया फेस शुरू करते हैं और यहां पे आपको डार्क डार्कनेस नहीं मिलेगा अब आपको क्या मिलेगा इक्विटी एंड जस्ट शामता और न्याय मिलेगा तो करेक्ट आंसर क्या है सी इज द करेक्ट आंसर बैरम जी अम्मा हमारी डीके कारवे संगलम एंड लास्ट में गुरुजादा अपाराव बताइए करेक्ट आंसर यहां पे क्या है सो so, करेक्ट आंसर इज इस...

रामास्वामी नायकर देन उसके बाद तंगुतुर परिक्रम देन चौथा राजा राम रानगर कोई एक जस्टिस पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ था तो कौन नहीं जुड़ा हुआ था जस्टिस पार्टी से आपको बताना है जस्टिस पार्टी से कौन नहीं जुड़ा हुआ था सी तुंग प्रकसम ये नहीं जुड़े हुए थे के एम पात्रो रामास्वामी नायकर एंड राजाराम ये जस्टिस पार्टी से जुड़े हुए थे जस्टिस पार्टी की शुरुआत कब हुई थी उन्नीस सत्रह के अंदर हुई थी सी एन मुदलियार टी एम नायर सचेत ठीक है जनरल सेक्रेटरी कौन थे आर मुदलेर हाँ ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट पे चल दो तो, उस पत्रिका के नाम का चयन कीजिए जिससे गांधी जी संबंधित नहीं है इंडियन ओपिनियन इंडियन मिरर हरिजन एंड यंग इंडिया गांधी जी किससे संबंधित नहीं है बताओ किसने कहा स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए भाई यूजीसी नेट के लिए मैंने तो नहीं कहा कि स्पेक्ट्रम पढ़ो यूजीसी नेट के लिए मैंने हमेशा कहा है कि शेखर बंदोपाध्याय पढ़ो और उसके साथ बीएल ग्रोवर पढ़ो ठीक है ये दो किताबें पढ़नी होती है आपको एग्जामिनेशन के लिए मॉडर्न इंडिया बताओ ठीक है स्पेक्ट्रम है, है है वो इतनी सी छोटे-छोटे की लेकिन वो बहुत बड़ी किताब है ठीक है लिखा उन्होंने कंसाइज हिस्ट्री है लेकिन वो काफी बड़ी है तो करेक्ट आंसर क्या है यहां पे करेक्ट आंसर, आंसर किसके द्वारा लिखी गई है ये बी इज द करेक्ट आंसर किसके द्वारा लिखा गया है मनमोहन घोष एंड देविंद्रनाथ टेगोर अट्ठारह में मनमोहन घोष एंड देविन्द्रनाथ टेगोर ठीक है नेक्स्ट क्लेमेंट एटली माउंट बेटल लिलित गो एंडल सॉरी हां क्लेमेंट एटली माउंट बेटल लिलित गो एंड वेवल करेक्ट आंसर क्या है इसका सी इज द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर तो सबसे पहले देख लो एटली किससे जुड़े हुए हैं एटली कैबिनेट मिशन माउंट बेटन प्लान बिल्कुल गो ऑगस्ट ऑफर हा सॉरी वेवल ब्रेकडाउन प्लान तो करेक्ट आंसर बी सी इज द करेक्ट आंसर इमीडिएट प्रॉब्लम जो इंडिया को 1957 फिफ्टी में इंडिपेंडेंस के बाद मिली थी ठीक है निम्नलिखित में से कौन सी असमय समस्या थी जिसको भारत जिसको भारत को सामना करना पड़ता स्वतंत्रता की बात ही विभाजन के पश्चपात सीमाओं का व्यवस्थान करना डिवीजन ऑफ सिविल सर्विस पर्सनल डिवीजन ऑफ मिलिट्री एंड रिफ्यूजी प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेवन के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताओ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो पार्टीशन हुआ था उससे जो कमिनल वायलेंस हुआ था एंड जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम थी तो करेक्ट आंसर क्या है डी इज द करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर सिंपल क्वेश्चन कर दो तो मेरे को ये भी लग रहा है कि इस बार आपका पेशवास के ऊपर क्वेश्चन आएगा मराठाज के ऊपर आया क्वेश्चन ठीक है फाइव स्टार क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन आना तय है ठीक है और क्रोनोलॉजिकली पूछा जा सकता है तो याद रखना बालाजी बाजीराव बाजीराव टू माधवराव वन माधवराव माधवराव नारायण बताओ बी इज द करेक्ट आंसर तो बालाजी बाजीराव बालाजी बाजी बाला विश्वनाथ बाजीराव वन बालाजी बाजीजा राव ठीक है फिर उसके बाद पहुंचते हैं किस पे, किस पे, किस पे। बालाजी बाजीराव हो गया फिर उसके बाद माधव राव हो गया हाँ राव वन फिर माधव राव नारायण एंड फिर लास्ट बाजीराव टू बाजीराव टू सबसे लास्ट होना चाहिए बस ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर भाई फाइव स्टार है अगेन मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन ना आए तो बता देना ठीक है क्वेश्चन ना आए इनके ऊपर आपको पेशवाज के ऊपर अगर क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो मुझे एग्जामिनेशन के बाद ही मैसेज कर देना कि सर पेशवाज के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया एंड मुझे तो इस बार ये लग रहा है इकोलॉजी पे भी आ सकता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थाई राजस्व बंदोबस्त का मुख्य प्रतिफल नहीं है वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेजर रिजल्ट ऑफ द परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ वी आईसी

तो करेक्ट आंसर डी परमानेंट सेटलमेंट 1793 जमींदार की रिस्पांसिबिलिटी थी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज करना सारी उसकी रिस्पांसिबिलिटी थी अगर नहीं कर पाएगा तो सनसेट क्लॉज के अकॉर्डिंग उसकी जमीन छीन ली जाएगी ठीक है सनसेट लॉज के अकॉर्डिंग छीन ली जाएगी ठीक है देन उसके बाद यस लॉयल लैंड उनके हुआ करते थे कल्टीवेटर्स uh, जमींदार की मर्सी पे थे जमींदार एक तो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर ही रहे उसके अलावा वो अपने एक्स्ट्रा सेसेस भी लगाता था ठीक है इससे हुआ क्या मतलब इट द प्रोसेस ऑफ रेवेन्यू टू द कंपनी मतलब हुआ नहीं कुछ भी रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हुआ था लेकिन चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है कि बूस्ट हो गया बहुत तेजी से ग्रोथ होनी शुरू हो गई ये तो नहीं हुई तो करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर क्या है डी इज द करेक्ट आंसर बताइए बताइए वर्ष अठारह और सड़सठ के बीच बंगाल गवर्नर जनरल कौन था क्लाइव कार्टियर क्रोनोलॉजिकली भी आया था अगर आपको याद हो ये क्वेश्चन कब का है ये बहुत पुराना क्वेश्चन है 2014 हजार -20 चौदह क्वेश्चन है ठीक है और ये घूम के आया था 2022 में क्रोनोलॉजिकली याद है कि नहीं याद है हा जिनको याद है भाई असली स्टूडेंट तो वो है ठीक है जिनको याद है कि हाँ सर क्रोनोलॉजिकली घूम के आया हुआ है तो वो है असली स्टूडेंट कि हाँ भाई हमें याद है हमने सारे प्रीवियसर क्वेश्चन ठीक से किए हुए हैं पूरी प्ले जो मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए वो देखा हुआ है तो वेयर सॉल्ट इज द करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है बी इज द करेक्ट आंसर तो वेयर सॉल्ट चलो नेक्स्ट निजामशाही स्टेट हैदराबाद के अंदर किसने की थी स्थापना रॉबर्ट क्लाइ निजामुल खान ने निजाम करी ने मुजफ्फरजन ने चिल्कु खान ने या मीर उस्मान अली खान ने किसने की थी स्थापना सपना किसने देखा था सपना बोलोगे सर हमने देखा था कल रात देखा था सपना किसका देखा था मैं उसका पूछ इसका पूछ रहा हूं जुल्फिकार खान ने सपना देखा था जुल्फिकार खान ने किसका सपना देखा था हैदराबाद को स्थापित करने का इंडिपेंडेंट सपना पूरा किसने किया सपना पूरा किया इन्होंने किसने चिन, चिन कुलिच खान ने. ठीक है चिन कुलिच खान ने लुलिच लिखो <laughs> चिन कुलिच खान ठीक है चिन कुलिच खानिच खान सी इज द करेक्ट आंसर निजामुल मुल्क कोल सांथाल चुवार हो एंड वगैरह बताओ करेक्ट आंसर क्या है बताइए करेक्ट आंसर क्या है बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसका फटाफट साल भी बताओ भाई साल तो कौन-कौन से कब है ए इज द करेक्ट आंसर 1770s में चुआर हो गया 1810s में 1880 के करीब वगैरह हो गया देन उसके बाद को 1830s में हो गया 1855 में हो गया संथाल तो करेक्ट आंसर क्या है ए इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट पे चलो गवर्नर कौन थे मद्रास के 1661 में? 1661 में 1661 में गवर्नर कौन थे बताइए फॉक्सक्राफ्ट स्ट्रेशन जेरोलॉन्जियर जिन चार्ल्स मून बताइए करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर गवर्नर कौन थे मद्रास में 1661 के अंदर यस yes, बिल्कुल ठीक है फॉक्स क्राफ्ट फॉक्स क्राफ्ट करेक्ट आंसर ए नेक्स्ट पे चलो वेच तो फॉलोइंग मैग्ना कार्ट किसको बोला जाता है एजुकेशन कर लेना एजुकेशन कर लेना इस बार ठीक है मकावले वुड्स हंटर ठीक है कर लेना एजुकेशन यूनिवर्सिटी कमीशन सैडलर अच्छे से रिवाइज कर लेना आजी तो मैग्राकार्डा किसको कहा गया है मकावलेटीन थर्टी फाइव इंडियन एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट एटीन एटी टू कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1902 टू तो, तो किसको, कहा गया है? Yes, is, किसको कहा गया है भाई इतने सारे लोग एक ही बोल रहे हैं सी चार्ल्स वुड, वुड इसको कहा गया एन फिफ्टी फोर हा जेम्स एडम की जो रिपोर्ट आई थी जेम्स एडम की जो रिपोर्ट आई थी वो भी कर लेना ठीक है जेम्स एडम की रिपोर्ट आई थी में और उसने क्या रिकमेंड किया था वर्नाकुलर को रिकमेंड किया था वर्नाकुलर को रिकमेंड किया था तो ये भी आ सकता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर ठीक है एक्चुअली जो वर्नाकुलर की जो दोबारा से वेव जो चली थी ना वो इनकी वजह से ही चली थी आ, हो तो आ, चल तो रहा था इंग्लिश एजुकेशन की तरफ ज्यादा सी सौ जो होता है इंग्लिश एजुकेशन की तरफ हो गया था ठीक है लेकिन वो वापस से किसकी तरफ हो जाता है उसकी तरफ हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन दादा भाई नरोजी द्वारकाथ विद्याभूषण देवीनाथ टेगोर जीएस अयर इंडियन मिरर राष्ट्र गुफ्तार स्वदेशी मित्रम सोम प्रकाश ध्यान से करो तो करेक्ट आंसर क्या है इस डी का तीन स्वदेशी मित्रम हो गया डी इज द रेक्ट आंसर है, तो दा, दादा भाई नरोजी दादा भाई नरोजी राष्ट्र लेकिन तीन जगह दिया हुआ है वो द्वारा ना विभूषण द्वारका नाभूषण सोम प्रकाश हो गया ठीक है आ, और इंडियन, तो इंडियन हाउस को लंडन के अंदर स्थापित किया था कौन से साल में स्थापित किया था 1902, 1905, 1907, 1909. देखो ये गारंटी है जो भी कोई सेशन लगातार देख रहा है एंड सेशन को फिर पीडीएफ से रिवाइज कर रहा है उसको बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जामिनेशन के अंदर मिलेंगे सेशन से गारंटी है गारंटी ठीक है अगर ना हो तो अगेन मैसेज करके बोल देना भाई सेशन सेशन के बाद कि सर जो आपने कराए थे और फिर जो पीडीएफ दिया था उससे क्वेश्चन नहीं आए ठीक है आप बोल देना आराम से बेचक बोल देना ठीक है श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन हाउस लंडन के अंदर सेटअप किया था कब किया था करेक्ट आंसर उन्नीस सौ पांच बीस द करेक्ट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले को यह किसने कहा है द प्रैक्टिकल स्टीनियस वर्कर एंड द मिस्टिक ड्रीमर ऑफ द ड्रीम्स बताइए व्यवहारिक कर्मठ कार्यकर्ता और सर्पों का गुण असर uh, के गुणों का अनोखा संगम किसने कहा है -based question. So, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सरोजनी नायडू एनी रिसेंट गणेश सावरकर या वीडी सावरकर सो करेक्ट आंसर ये सरोज नायडू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो जहां पे आपने बुक्स एंड ऑथर्स लिखा हुआ है वहीं पे ही वहीं पे ही आपको लिखना है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी तो ए इज द करेक्ट आंसर सेडिशन एक्ट कब आया था फाइव स्टार क्वेश्चन है sedition को आप एक्सपेक्ट कर लो इस बार ठीक है सेडिशन एक्ट कब आया था लॉजिकल वे पूछा सकता है इनफेमस वन ट्वेंटी फोर कब आया था ये तो ये आया था 1860, 1861, 1870 या 1879 तो करेक्ट आंसर सी 1870 के अंदर आया था क्रोलॉजिकली अरेंज डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स झांसी सतारा उदयपुर एंड सांबलपुर. झांसी उदयपुर सतारा सांबलपुर करेक्ट आंसर क्या है झांसी सतारा उदयपुर एंड सांबलपुर लॉर्ड डलाउजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सो करेक्ट आंसर पक्का सी हंड्रेड परसेंट देखो भाई मैंने आपको ईयर भी यहां पे दे दिया सारे ईयर नोट डाउन कर लेना तो सतारा अट्ठारह सो अड़तालीस जैतपुर अट्ठारह सौ उनचास शामलपुर अठार सो उनचास उदयपुर अट्ठारह सौ पचास जहां ये उदयपुर एटी निपटी भगत भगत अट्ठारह सौ पचास जहां सी अठार तिरपन एंड नागपुर अठारह सौ चौवन ठीक है अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं जिनसे भी नहीं हो पाया क्वेश्चन अब वापस चलो अब देखो आंसर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा ठीक है तो यहाँ पे क्या करना है क्रोलॉजिकल ऑर्डर तो सतारा सबसे पहले हो गया ना अठारह तो कहाँ पे दिया हुआ सतारा ये दिया हुआ ठीक है ये दिया हुआ अब उसके बाद देखो एक आएगा या चार आएगा अभी आपको याद होगा कि झांसी तो 1853 है तो ये तो नहीं आ सकता सांबलपुर आएगा तो क्या हो गया तीन चार ठीक है फिर उसके बाद आएगा तीन चार दो एक मिनट ये तीन है भाई ये दो है ठीक अरे एक मिनट झांसी सबसे पहले सतारा आएगा ना तो सतारा टू आएगा ना सबसे पहले टू ओके टू एक मिनट टू उसके बाद सांबलपुर शामलपुर उसके बाद सांबलपुर फिर उसके बाद उदयपुर एंड फिर झांसी ओके ए इज द करेक्ट आंसर भाई ठीक है ध्यान से देखो ऑप्शन ऊपर नीचे है ऑप्शन ऊपर नीचे है ठीक है ध्यान से देखो देखो सबसे पहले हो गए सतारा सतारा कहां पे दिया हुआ है ये दिया हुआ यानी कि टू सबसे पहले आएगा ठीक है टू सबसे पहले आ गया फिर उसके बाद क्या दिया हुआ यहां पे आ, सतारा उदयपुर सांबलपुर झांसी सतारा सतारा सांबलपुर उदयपुर उदयपुर दिया हुआ है ठीक है और सतारा उदयपुर सांबलपुर झांसी सतारा उदयपुर उसके बाद उदयपुर उदयपुर आएगा सांबलपुर आएगा सांबलपुर कहां पे है सांबलपुर आएगा पहले ठीक है तो सांबलपुर कहां पे है फोर्थ टू फोर ठीक है फिर उसके बाद उदयपुर और फिर झांसी ए इज द करेक्ट आंसर आप लोग सी क्यों दे रहे हो ठीक है ए इज द करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर इतने सारे लोगों ने सी दिया ठीक है नोट डाउन कर लो सतारा जैतपुर सांबलपुर भगत उदयपुर झांसी नागपुर ये ऑर्डर है ये ऑर्डर है रट डालो इसको सतारा जैतपुर सांबलपुर भगत उदयपुर झांसी एंड नागपुर समझ में आ गया समझ में आ गया सबके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं Who Who among the following was not, uh, who among the 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 following following was was not not associated with the Lahore Resolution adopted by the Muslim League on नॉटो March 1940? तो कौन एक नहीं है जो League द्वारा अपना में लाहौर प्रस्ताव के साथ जुड़ा हुआ नहीं था हिंदी का सी है अरे हिंदी का सी क्यों होगा भाई जहां सी सतारा अरे बाप रे पूरा उल्टा पुल्टा दिया क्या अरे ठीक है हिंदी को इग्नोर करो अभी झांसी सतारा उदयपुर सांबलपुर आई होप सबको समझ में आ गया है अरे ये छोड़ो क्वेश्चन को इग्नोर करो ये है मेन चीज ठीक है हयात <laughs> हयात सिकंदर आ, सिकंदर हक खलील कुजमान सो कौन नहीं जुड़े हुए थे कौन नहीं जुड़े हुए थे ए इज द करेक्ट आंसर तो किर हयात खान यूनियन पार्टी यूनियन पार्टी से जुड़े हुए थे मुस्लिम लीग से नहीं जुड़े हुए थे ओके नेक्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस टू ग्रामशीशन बायशी के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की है अगेन इंपॉर्टेंट है आपको लिस्ट दे दी है भाई आप दोबारा से देख लेना हिंदी के हिसाब से सी होगा इंग्लिश के हिसाब से ये अनिल विपिन चंद्रा सी ए बेली सुमित सरकार

कंपेयर किया हुआ है बिपिन चंद्रा ने इमरजेंसी ऑफ इंडिया नेशनल किसकी है अनिल की है ठीक है।, है तो करेक्ट आंसर ये नेक्स्ट पे चलो हाँ किधर गए भाई द फॉलोइंगज अग अमंगीडिंग द डिफेंस इन ट्रायल्स अगेंस्ट द में आई एन ए तो इन कौन आई एन ए के सदस्यों के खिलाफ परीक्षण में रक्षा का नेतृत्व कर रहा था कौन लीड कर रहा था कौन लीड कर रहा था ठीक है तो बुल्ला भाई देसाई जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी सरदार पटेल तो कौन लीड कर रहा था कौन लीड कर रहा था बुल्ला भाई देसाई लीड कर रहे थे तो ये थी डिफेंस कमेटी 1945 के अंदर ट्रायल शुरू हुआ था शाहनवाज खान पीके के सहगल जी डिल्लन ठीक है एंड कमेटी थी उसके अंदर किसकी जवाहरलाल नेहरू की, की बुल्ला भाई देसाई की असफ अली की तेज बहादुर सपुर कैलाश नाथ कटजू की इसमें लीड कौन कर रहा था बुल्ला भाई तो बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है यहां पे लीड को पूछा गया है लीड ये नहीं पूछा गया कि कौन कौन था लीड पूछा गया था ठीक है सिल्क लेटर कॉन्स्पिर रेशम रुमाल पडियंत्र रेशम रुमाल पड़यंत्र बताइए सिल्क लेटर कॉन्स्परेसी रेशम रुमाल पडियंत्र बताइए मौलाना अबुल बारी मौलाना मोहम्मद हसन अब्दुल्ला सिंध एंड बरकतुल्ला इसका साल और बताओ भाई फटाफट कोई साल और बताइए सिल्क लेटर कॉन्स्परेसी का साल कौन सा है अब्दुल्ला सिंध एंड बरकतुल्ला जुड़े हुए हैं इन्होंने कॉन्स्पेरे किया थी? अंग्रेजों को हाँ पे निकालना है ऑटोमन एम्पायर टर्की के साथ एक अलायंस बना के जर्मनी के साथ अलायंस बना के ठीक है उनके साथ अलायंस बना के हमें अंग्रेजों को निकालना है इसका साल क्या है बिल्कुल ठीक है उन्नीस सौ के अराउंड कॉन्स्पेरे बनी थी ठीक है ओके सी इज द करेक्ट आंसर अरे बाबा ये क्या हो रहा है यार हा इतना अच्छा क्वेश्चन था When did the uh, when did the French finally handed off their over their territories to India? Francis यों ने आखिरकार अपने भारतीय क्षेत्रों को भारत को कब सौंपा? सबसे last company जाने वाली कौन सी थी? Portuguese थी, 1961. लेकिन second last कौन सी थी? French थी. French गए थे 1901 में. French गए थे 1901 में. ठीक है? Cabinet mission, Bombay plan, Simon commission, Mountbatten plan, chronologically arrange करना है. Chronologically arrange कर दो. बताइए कैबिनेट मिशन बॉम्बे प्लान साइमन कमीशन माउंट बेटन प्लान क्रोलॉजिकली अरेंज करना है फटाफट करो सबसे पहले साइमन कमीशन ठीक है हो गया आगे बताने की जरूरत है हा बॉम्बे मैनिफेस्टो 1936 था लेकिन बॉम्बे प्लान 1944, याद रखना बॉम्बे मैनिफेस्टो और बॉम्बे प्लान में काफी फर्क है कभी सोचो कि बॉम्बे बॉम्बे है तो इसको लगा दो उन्नीस बॉम्बे मैनिफेस्टो उन्नीस जो लीडिंग इंडस्ट्रलिस्ट थे उनको सोशलिज्म की जो नीतियाँ थी वो पसंद नहीं आ रही थी तो इक्कीस इंडस्ट्रलिस्ट ने ये बॉम्बे मैनिफेस्टो साइन किया था बॉम्बे प्लान 1944 है कि हमें पैसे खर्च करने चाहिए स्टेट को ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी देनी चाहिए कि वो चीज़ें मैन्युफैक्चर करें ठीक है Then, उसके बाद पहुंचतम किस पर माउंट बेटन प्लान नाइनटीन फोर्टी एंड उसके बाद कैबिनेट मिशन बेटन प्लानी फोर्टी सेवन करेक्ट आंसर ये डिफरेंस आपको पता होना है चाहिए इंपॉर्टेंट है एग्जामेशन पर हिंद विडो रिमेरिज एक्ट एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी पार्टी ऑफ प्रार्थना समाज सत्यशोधक समाज किस किससे जुड़े हुए हैं आत्माराम पंदुरक लॉर्ड एलाउजी लॉर्ड एलन बो जो फूले रीता जी गुड इवनिंग बोल रही हैं अब हाँ एक घंटा ऑलमोस्ट एक घंटा तेरह मिनट हो चुका है सेशन को शुरुआत हुए हुए और आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं अभी आप एंटर कर रहे हो हाँ ये नहीं चलेगा ठीक है बताओ भाई कहाँ थे आप एक घंटा तेरह मिनट तक करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका तो विडो एक्ट किससे जुड़ा हुआ है विडो एक्ट डलाउजी से अट्ठारह ठीक है देन उसके बाद स्लेवरी, 1843, प्रात्ना समाज 1867, आत्माराम ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हिंदू कॉलेज एमएओ कॉलेज संस्कृत कॉलेज बेत्यून कॉलेज सर सैयद अहमद खान देन उसके बाद पहुंचते जोनाथन डंकन पे ज्योतिबा फुले पे डेविड हरे पे बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसका सो करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर है इसका हिंदू कॉलेज हिंदू कॉलेज किससे जुड़ा हुआ है डिविड हरे ए का चार देन एमए कॉलेज सरद अहमद खान ए बी का एक संस्कृत कॉलेज संस्कृत कॉलेज जोनाथन लंकन बैठून है बैथुन वाला किससे जुड़ा है फिर संस्कृत कॉलेज होना था डंकन ठीक है बैथुन वाला फूले आई थिंक ये मिस हो गया था उनसे कुछ गड़बड़ हो गई थी इस करेक्ट आंसर वैसे ए है करेक्ट आंसर है ए ठीक है सी का है भाई सी कैसे बोल रहे हो ठीक है सी क्यों हिंदू कॉलेज डेविड हरे देन एम कॉलेज सैद अहमद खान संस्कृत कॉलेज था डंकन बैथुन कॉलेज ड्रिंक वाटर बेथुन ठीक है इसमें प्रॉब्लम है बाकी सब ठीक है बाकी सब ठीक है नेक्स्ट देखो इनमें से क्या भारत से ब्रिटेन को जाने वाली आर्थिक निकासी का घटक नहीं है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है ड्रेन ऑफ वेल्थ का कौन सा एक पार्ट नहीं है होम चार्ज डिविडेंट टू देयर होल्डर ऑफ सी सिविल एंड मिलिट्री चार्जेस डिवाइड एंड रूल बताइए इकोनॉमिक ड्रेन का जो यहां से पैसा लेके वो चले गए कौन सा एक पार्ट नहीं है यस डिवाइड एंड रूल नहीं है याद रखेगा होम चार्जेस जो यहां पर भी लोग जो कंपनी के लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी कौन देगा इंडियन रेवेन्यू से पैसे दिए जाएंगे ठीक है उसको बोलते थे होम चार्जेस ई प्राइवेट कंपनी थी उसके जो डिविडेंड है वो भी इंडिया के पैसे दिए जा रहे हैं क्योंकि अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल है तो अपना डिविडेंड बांटेगी तो वो भी इंडिया के पैसे ही हो गया ठीक है सिविल एंड मिलिट्री चार्जेस कोई भी चार्जेस हो चाहे वो मिलिट्री का हो चाहे कुछ भी हो तो सब वो किसके पैसे दिया जाएगा इंडिया के पैसे दिया जाएगा डिवाइडेंड रूल तो ये तो बांटो वाली नीति है तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का पार्ट ही नहीं है ठीक है चलो सी यू टी पीजी में आया था पीपीएचडी में आया था देखो आ सकता है मुझे आई एन में भी लग रहा है ठीक है सब कॉन्ट्रैक्टर वाली थ्योरी किसने दी हुई है सब कॉन्ट्रैक्टर एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर गांधी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंट्रीब्यूटेड टू होम किसने दी हुई सब कॉन्ट्रैक्टर थ्योरी अनिल सील मॉरिस डी मॉरिस जूडित ब्राउन रानाजीत गुहा अनिल सील कैसे भाई और ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन 2022 ये 23 में आया था ये ठीक है तो ये सब कॉन्ट्रैक्टरी आंसर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट 1937 से 39 में कांग्रेस मिनिस्ट्री इन मद्रास किसने हेड किया था सुब्रमण्यम भारती टे प्रकाशन सी राजा गोपालचारी सी पी रामास्वामी अय्यर किसने हेड किया था इसको 1937 से 39 के बीच में जो कांग्रेस मिनिस्ट्री थी मद्रास के अंदर किसने हेड किया था सो so, किसने हेड किया था सी राजा गोपालचारी सी इज द करेक्ट आंसर बढ़िया ठीक है ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर किसकी फिलॉसफी है 2023 में आया क्वेश्चन ठीक है ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल ये किसकी थ्योरी है कौन लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं यूटिलिटेरियन सोशलिस्ट लिबरल्स या बताओ

तो ये सोचते थे ठीक है तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है ओके एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मुझे काफी लोग स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं जो भी कोई 2024 के लिए ऑपरेशन करना चाहता है स्पेशली जून अटेम्प्ट के लिए उसके लिए 16 तारीख से बैचेस शुरू हो जाएंगे ठीक है पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के 16 तारीख से तो अगर आपको जून 2024 के लिए तैयारी करनी है तो मेक श्योर की भाई छह महीने एटलीस्ट आपको देना पड़ेगा

गांधीज़ इंटर इंटरवेंशन इन द अहमदाबाद मिले स्ट्राइक इन 1917 लेड टू द एनहांसमेंट ऑफ विजेस फॉर द वर्कर्स बाय 25, 35, 45, 55. सो so, कितना एनहांसमेंट हुआ था थर्टी फाइव परसेंट इनहांसमेंट हुआ था पैंतीस परसेंट इनहांसमेंट हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में हाँ अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन किसने कार्यवाही इस सिद्धांत पर की कि सिंध का एक सम्मेलन एक बहुत लाभकारी शैतानी डैश एक संभावित डकैती अमल में होगा एंड ये स्टेटमेंट कब दिया गया था बताइए स्टेटमेंट कब दिया गया था अब यह स्टेटमेंट कब दिया गया था इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ठीक है बताओ ऑकलैंड नेपियर जॉन एंड मेजर है इज़ द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट कब दिया था? 1843 सिंध को अनेक्स करने के बाद ठीक है स्टेटमेंट कब दिया था 1943? अरे बाप अरे बापरे ठीक है 1843 इतना मिस्ट इतना दूर कैसे हो गया इतना गड़बड़ कैसे कर दिया 1843 शिमला डेपुटेशन किसने लीड किया था ये भी आ सकता है और यहां पे शिमला डेप्यूटेशन क्रिटिसाइज किसने किया था ठीक है किसने कहा कि शिमला शिष्टमंडल 1907 ब्रिटिश द्वारा संचालित और किसी भी प्रकार से फरमाइश प्रदर्शन से अधिक नहीं है किसने लीड किया था लीड किसने किया था बताओ भाई करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल ठीक है लीड किसने किया था मेरे को लीड बताओ आप आगा खान थ्री आगा खान थ्री बुलाया था इनको ठीक है सो so, आगा खान थ्री पैंतीस प्रोमिनेंट इंडियन मुस्लिम्स थे आगा खान थ्री को आगा खान थ्री वो लीड करते हैं उन्नीस में पहुँचते हैं वो किसके पास वॉइस रॉय के पास, के पास आ, मिंटो जो थे वॉइस रॉय उसके पास वो पहुँचते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए और इसका इम्पैक्ट क्या था कि 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया था जो मॉरली मिनटो रिफॉर्म्स थे उससे ठीक है इसका इम्पैक्ट एक और था आ, मुस्लिम लीग भी बना था 1906 के अंदर मुस्लिम लीग ठीक है तो ये बना था इसका इम्पैक्ट ये था ओके okay, समझ गए समझ गए सब ओके okay, काफी इंपॉर्टेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं व्हाट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द माउंट बेटन प्लान क्या माउंट बेटन योजना का हिस्सा नहीं था बताओ इट गेव द इंडियन स्टेट टू सी डिसाइडर इट प्रशन इट वॉज नॉट स्पेस इट वॉज एक्सप्ट कांग्रेस एंड बताइए इसने यह कह रहा है कि 15 अगस्त इसने डेट नहीं दिया था अरे इसने 15 अगस्त डेट दिया था सारी चीजें इसने बताई थी तो ये स्पेसिफिक नहीं था डेट के लिए स्पेसिफिक था पूरा डेट वेट सब बता देता इसने तो करेक्ट आंसर क्या है सी इज द करेक्ट आंसर मैंने कहा था ना यूटेलीटेरियंस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं अभी तक यूटेलीटेरियंस की आइडियोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आया था अब ये है कि हु वॉज द रिकोगनाइज लीडर्स ऑफ दिटेरियंस उपयोगितावाद का मान्य अग्रणी नेता कौन था एडम स्मिथ बेंथम एंगल्स बर्क कौन था करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर जेरमी बेंथम बेंथम थे इसके लीडर यूटेलीटेरियन के ओके okay? Utilitarian leader Jeremy Bentham. A greatest good for the greatest number of the people. B is the correct answer. Ishwar Chandrakirti Sagar, Malabari, Swami Vivekananda, Ranade, Parliament of Religions at Chicago 1893, Age of Consent 1891, Got the Hindu Widows, Marriage Legalized in 1886, Inspired the Foundation of Deccan Education Society in 1884. एक से हो जाएगा सो करेक्ट आंसर क्या है ए इज द करेक्ट आंसर सबसे पहले कौन हो गया सबसे पहले ईश्वर चंद्र तो विद्यासागर विडोरी रिमैरिज लीगलाइज मालावारी एज ऑफ कंसेंट देन उसके बाद स्वामी विवेकानंद ठीक है आखिरी में रनडे ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है ए इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फाइव का एक चीज पार्ट नहीं थी प्रांतीय स्वाधीनता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिया एज ए गवर्नर इंडियन गवर्नर इंडिया फेडरेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या एक पार्ट नहीं था तो गई थी याद रखना इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन के अंदर 1990, 1935 है। तो दोनों आपको पता होंगे दोनों को मैं बहुत बार भी रिवाइज कर चुका हूं प्रांत ऑटोनॉमी बिल्कुल है ठीक है इंडियन एज ए गवर्नर कोई पॉइंट नहीं है ठीक है देन उसके बाद ऑल इंडिया फेडरेशन आ गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ गया था तो करेक्ट आंसर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट ओरिएंटल लैंग्वेज इज इनफीरियर टू यूरोपियन लैंग्वेज बताइए ओरिएंटल लैंग्वेज इज इनरियर टू यूरोपियन लैंग्वेज पूर्व ज्ञान यूरोपियन ज्ञान से घटिया टिप्पणी किसकी थी वुड की विलियम कैरी की लॉर्ड मकावले की विलियम हंटर की बताइए चार्ल्स वुड विलियम कैरी लॉर्ड मकावले विलियम हंटर करेक्ट आंसर सी इज द आंसर मकावले लेकिन ये याद रखना किसने शुरुआत की थी इंग्लिश एजुकेशन की किसने सबसे पहले बोला था याद नाम? Macaulay 1835 है नाम मकावले तो एटीन एक्ट है लेकिन कौन वो था जिसने सबसे पहले बोला था वो कौन था वो बताओ जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे पहले किसने बोला था 1793 में जिसने सबसे पहले कोशिश की थी यस मनोज कुमार चार्ल्स ग्रांट रंजना चार्ल्स ग्रांट ठीक है चार्ल्स ग्रांट चार्ल्स ग्रांट चार्ल्स ग्रांट याद रखना शायरी वीडियोस अमीन ठीक है आछू ठीक है ग्रांट uh, अंकिता सीमा फायो जैद राकेश मौसमी बढ़िया वे बढ़िया चार्ल्स ग्रांट ठीक है यहाँ पे मकावलेज इज करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं फेमिन कमीशन रेलवे कमीशन नाइनटीन ओ वन इरिगेशन कमीशन धन यूनिवर्सिटी कमीशन नाइनटीन ओ टू थॉमस ओबस्टन थॉमस आइलिक एंथनी मेकडावल एंड कॉलिन स्कॉट बताइए सो करेक्ट आंसर यहां पे क्या है करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इज ए सो सबसे पहले कौन सा हो जाता है फेमिन कमीशन याद रखना भाई फेमिन कमीशन एंथनी मैकडावल ओके okay? देन तो उसके बाद रेलवे कमीशन थॉमस रोबस्टन इरिगेशन कमीशन इरिगेशन कमीशन स्कॉट मोनक्रोफ एंड रेलिक यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 अच्छा हिंदी के अंदर नहीं दिया <laughs> हिंदी के अंदर भी देख लो भाई आ, तो आ, सभी ने सही दिया हिंदी तो में भी तो ए इज द करेक्ट आंसर काल आयोग 1899 एंथनी मैकडावल, थॉबस वाला ये हो गया एंड सारी चीज धर्म से जुड़ी हुई है तो स्वामी विवेकानंद वी डी सावरकर महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस सारी चीजें धर्म से जुड़ी हुई है ये किसका स्टेटमेंट है ये है महात्मा गांधी सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट बॉम्बे एक्वायर्ड बाय द इंग्लिश ओरिजिनली बिलोंग टू तो उस किसको किसके पास ये हुआ करता था बॉम्बे और फिर किसके पास ये चला गया और कब चला गया और क्यों चला गया और कितने में चला गया पता है ना बताओ कब गया था कितने में गया था क्यों गया था बताओ सो करेक्ट आंसर पोर्तुगीज पोर्तुगीज किसके पास गया बॉम्बे के पास बता ही नहीं रहा यार कोई पंद्रह सो दस पंद्रह सो दस क्या पॉइंट है इसका सत्रह सो चौतीस भी नहीं है सिक्सटीन सिक्सटी एट दिनेश बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया ठीक है हाँ ठीक है ठीक है तो किस लिए गया था सिक्सटीन सिक्सटी एट में क्योंकि डाउरी वाला पॉइंट ही है एंड मेन पॉइंट ये भी कि उनके अपने जो टेरिटरीज थी उनकी प्रोटेक्शन करानी थी ठीक है पोर्तुगीज़ को अपनी टेरिटरीज़ प्रोटेक्ट करानी थी तो उन्होंने डाउरी में दे दिया किंग uh, को एंड किंग ने दस uh, यूरो में दस पाउंड में हाँ दस पाउंड में दस पाउंड में दस पाउंड के रेंट में उन्होंने इंग्लिश को दे दिया था तो करेक्ट आंसर क्या है रहनुमाई सभा, दर उलउलेमा मॉडर्न एजुकेशन कॉन्फ्रेंस देवबंद बॉम्बे अलीगढ़ लखनऊ जगह बतानी है आपको कौन कौन सी जगह थी बताइए अरे हिंदी नहीं है क्या हिंदी नहीं है भाई इसकी ठीक है देख लो वैसे तो हिंदी इंग्लिश हिंदी बराबर ही है यहाँ पे तो मध्य सभा देन उसके बाद दरमा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है यही देखो इसी से हो जाएगा डी का तीन डी का तीन ये हो गया सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है रन्युमा मद्य सभा ये किससे जुड़ा बॉम्बे से दरुलमा देवबंद से नदवाल्मा लखनऊ से एंड मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्यवस्थित प्रेस अधिनियम पारित किया था देखो ऐसे आता है क्वेश्चन मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी कराया था फर्स्ट प्रेस रेगुलेशन पास्ड बाय पास्ड इन विच तो बताइए किसने सबसे पहली बार किया था वॉरन एस्टिंग ने कॉर्नवेलिस ने शोर ने वेलेस्ली ने सबसे पहली बार 1799 वेलेसली वेलेसली इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट 1866 से 1919 में हाई कोर्ट कहां पर स्थापित हुई थी बॉम्बे मद्रास कलकत्ता अलाहाबाद पटना लाहौर मद्रास कलकत्ता अलाहाबाद बॉम्बे पटना लाहौर बताइए सिक्सटी फिफ्थ सिक्स फिफ्थ का ए ए कैसे दे सकते हो भाई हा? ए का है ध्यान से देखो अलाहाबाद अठारह सौ छियासठ के अंदर ही था ठीक है करेक्ट आंसर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर ये कैसे दे सकते हो भाई ठीक है 1866 के अंदर अलाहाबाद एंड 1919 के अंदर लाहौर पटना में ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है कैसे दे सकते हो भाई बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ नहीं था अनुराधन नरीम सिन्हा किशोर, प्रसाद और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद एंड आखिरी में रवि शंकर व्यास। व्यासो so, कौन नहीं था रवि शंकर व्यास ये तीनों जुड़े हुए थे अनुराधन नारायण सिन्हा ब्रिज, ब्रिज किशोर प्रसाद एंड राजेंद्र प्रसाद कौन नहीं जुड़ा था था रविशंकर व्यास निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित नहीं है बीना दास कल्पना दत्त मैडम जी कामा एंड दत्त एक नहीं है कौन सी नहीं है वो पोएट थी ठीक है क्रांतिकारी रेवोल्यूशन से नहीं जुड़ी हुई थी रेवोल्यूशन से नहीं जुड़ी हुई थी तो कौन नहीं जुड़ा हुआ था तोरु दत्त नहीं जुड़ी हुई थी डी इज द करेक्ट आंसर पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप कुल निर्वाचन क्षेत्र की सीटों में से दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें क्या हुई थी घटी थी सेम रही थी खत्म कर दी गई थी बढ़ गई थी तो क्या हुआ था एक से बढ़ गई थी डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट अगेन असर्शन रीजन अठारहवीं शताब्दी के दौरान भारतीय विद्वान पश्चिम साहित्य के समृद्ध भंडार के निकट संपर्क में आए सबसे पहले तो ऑप्शन देख लो ऑप्शन देख लिया अब देखो अट्ठारवी शताब्दी के दौरान भारतीय विद्वान पश्चिम साहित्य के समृद्ध भंडार के निकट संपर्क में आए थे स्थानीय भाषा के विकास के संबंध में भारतीय विद्वानों ने नवीन विचार नवीन साहित्य विदा नई विधिया तथा तकनीक ग्रहण की थी वही है सेम लॉजिक पहले ऑप्शन देख लो फिर देख लो ये कपल है कि नहीं है कपल है है ना कपल है फिर उसके बाद देखो कि क्या ये परफेक्ट कपल है ठीक है ये देखना है एक साथ जा रहे हैं परफेक्ट कपल है अलग 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 डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं क्या दिक्कत हैिटरेचर है, है है है, कॉन्टेक्ट में आ गए पश्चिमी साहित्य के निकट आए वो है ना जब वो पश्चिमी साहित्य के निकट आए तो उनको नए नए विचार पता चलने शुरू हो गए ठीक है नई नई विधियां प्राप्त हो गई नए नए मेथड पता चलने शुरू हो गए सही तो है क्या दिक्कत है तो करेक्ट आंसर क्या है ए इज करेक्ट आंसर कपल है साथ जा रहे हैं हाथ में हाथ डाल के जा रहे हैं एक तो बोल रहे हैं लैला मजनू है ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है ए इज द करेक्ट आंसर बताइए फकीर रामोसी पागल पंत बिहार किसान सभा स्वामी शैजानंद सरस्वती करम शाह मंजू शाह चित्तूर सिंह बताइए कौन किससे जुड़ा हुआ है बताइए कौन किससे जुड़ा हुआ है डी इज द करेक्ट आंसर तो सबसे पहले कौन हो गया फकीर हाँ, मंजूषा हमजूशाह चित्तौड़ सिंह देन उसके बाद पागलपंथी करम शाह एंड लास्ट में बिहार किसान सभा स्वामी शाहजानंद ओके okay? तो डी इज द करेक्ट आंसर हाँ वेलेसली प्रेस कंट्रोल वेलेसली प्रेस कंट्रोल 1799 क्या रेगुलेशन थे वो तो यहां पर पूछ रहा है कौन सी एक चीज उसको पार्ट नहीं थी सो so, समाचार पत्रों के मालिकों तथा तो संपादकों को अपने प्रकाशन पर अपने नाम का उल्लेख करने के लिए कहा गया था उन्हें यूरोप में हो रहे तत्कालीन युद्ध के विषय में समाचार प्रकाशित करने के लिए कहा गया था विनियमों का किसी भी प्रकार के उल्लंघन किए जाने पर उन्हें तत्काल रूप भेज दिया जाएगा और चौथा चौथा क्या बोल रहा है चौथा क्या बोल रहा है चौथा बोल रहा है कि विनियमों के अंतर्गत सभी समाचार पत्रों का सुनिश्चित सेंसर लगाया जाएगा बताइए ध्यान से देखो ध्यान से देखो भाई बढ़िया क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया ना सबके करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर तो कौन सा एक एक पार्ट नहीं था बी सबने सी में डाउट लग रहा है बी इज द करेक्ट आंसर देखो हाँ हर एक न्यूज पेपर न्यूज पेपर वाले को अपना नाम वगैरह सब लिखना होगा बिल्कुल ठीक है फिर उसके बाद इमीजिएट डिपोर्टेशन आइए उनके ऊपर था स्पेशली जो कि अंग्रेजी के अंदर अखबार लिखते थे कि अगर अगर आपने कुछ लिखा हमारे खिलाफ तो हम आपको इमीडिएटली रिपोर्ट कर देंगे यूरोप के अंदर ये नहीं है कि हिंदुस्तान को भेज देंगे यूरोप के अंदर फिर क्या पॉइंट है वो तो और लिखेगा कहेगा कि हाँ हमें जाना है हमें लंडन की सिटीजन इंग्लैंड की सिटीजनशिप चाहिए ठीक है देन उसके बाद सेंसरशिप लगा दी जाएगी थ्रू आउट द रेगुलशन ये वाला गलत है टू पब्लिक न्यूज अबाउट द कंटेम्प्री वॉर्स फॉर्ट इन यूरोप कोई ये सब उन्होंने नहीं लिखा था तो करेक्ट आंसर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर बताइए ओके निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था गुजराती युगांतर नवी आ, नवजीबान देन उसके बाद आनंद बाजार पत्रिका सो so, कौन सा था कौन सा था हरिजन बंधु के अंदर कन्वर्ट हुआ था तो नवजीवन नवजीवन नव गांधी जी ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है सी इज द करेक्ट आंसर सी ऑफ कैलमिटी किसको कहा गया है नि, निम्न कालों में से वह कौन सा था जिसे विपत्ति के समुद्र के रूप में वर्णित किया गया है मद्रास प्रेजिडेंसी अठारह सौ राजपूताना अठारह से उनहत्तर बंगाल अठारह से इकसठ उड़ीसा अठारह से सड़सठ सी ऑफ कैलमिटी किसको कहा गया है ऑफ कहा गया है बहुत ही बड़ा आया था बहुत ही लोग मारे गए थे किसको कहा गया है उड़ीसा के अंदर अठारह आया था ठीक है ध्यान से देखो अगेन असर्शन रीजन सेम लॉजिक सबसे पहले तो ये देख लो ऑप्शन ठीक है ऑप्शन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इस बार भी आपको यही करना है जब भी असर्शन रीजन आपके सामने आए तो ऑप्शन को देख लेना क्योंकि मैंने बहुत एग्जामिनेशन के अंदर देखा कि ऑप्शन भी उल्टे उल्टे ऐसे डालने शुरू हो गए हैं ठीक है बताओ आप ऑप्शन ठीक है अब देखो अब देख लो कपल है कपल मतलब कपल का मतलब ये होता है जो भी कोई नए स्टूडेंट है उनको बता दू कपल का मतलब ये कि दोनों सही है तो 1781 वॉरेन वन ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की 1791 जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की दोनों ये दोनों संस्थान कंपनी के न्यायालयों में कानून के प्रशासन की सहायक सहायता करने के लिए योग्य भारतीय की नियमित आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किए गए थे बताइए आप सी क्यों हा मुझे सी का लॉजिक नहीं समझ में आया सारे लोग सी जा रहे हैं दो लोगों ने ये दिया है बस अमीन और विनीत ने ठीक है <laughs> पहला भी बिल्कुल ठीक है दूसरा भी बिल्कुल ठीक है ये जो इंस्टीट्यूट थे क्यों स्टेब्लिश किए गए थे ओरिएंटल इंस्टीट्यूट थे क्यों स्टैब्लिश किए गए थे क्योंकि इनको एक रेगुलर सप्लाई चाहिए थी इंडियन इंडियंस की एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकें ठीक से चला सके सरकार को तो करेक्ट आंसर क्या है ए इज द करेक्ट आंसर सेकेंड क्यों गलत लग रहा है ये बताओ मुझे भाइयों बहनों क्यों लग रहा है सेकेंड गलत सेकेंड क्यों गलत लग रहा है आपको दोनों इंस्टीट्यूट ओरिएंटलिज्म का मतलब क्या होता है ये दोनों प्राच्यवादी संस्थान है Orientism का मतलब कि यहां से इन्हीं लोगों के बारे में पढ़ेंगे इन्हीं के बारे में जानेंगे और हमारे लोग भी यहीं पे ट्रेन होंगे इन्हीं के थ्रू ठीक है आ, ट्रेन होके वो हमारे रेगुलर के होंगे ट्रेन सप्लाई गए मिलेगी तो करेक्ट आंसर क्या है एडमिनिस्ट्रेशन हमें रेगुलर सप्लाई मिल रही है कर लिंक है? नहीं लग रहा है अच्छा <laughs> समझ गए बेस्ट एग्जांपल है का. तो करेक्ट आंसर क्या है ए इज द करेक्ट आंसर ओके, okay. नेक्स्ट देखो कोलंबो प्रपोजल मेड बाय कंट्रीज कॉन्फ्रेंस इन 1960 स्टैंड्स फॉर 1962 में संपन्न अफ्रीके एशियाई देशों द्वारा निर्मित कोलंबो प्रस्ताव किसके लिए बना था पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है श्रीलंका की नसरी समस्या के समाधान हेतु सुझाव बने थे तिब्बत के भविष्य के लिए प्रस्ताव बने थे भारत और श्रीलंका के मध्य अविवादित दीपों की समस्याओं के समाधान की संभावना की तलाश में चौथा भारत और चीन की सीमाओं की समस्या के निराकरण के लिए सुझाव बने थे ऑफिशियल फरजाना गुड इवनिंग अच्छा एक घंटा चालीस मिनट बाद आ रहे हो और आप बोल रहे हो गुड इवनिंग हाँ कहाँ थे आप बताओ ऐसे थोड़ी ना चलता है सेशन को एक घंटा चालीस मिनट हो चुके हैं ये लोग आपसे बैठे हुए हैं इतनी देर पहले ये आपसे पता नहीं कितने आगे जा चुके हैं आप अभी आए हो सेशन के अंदर ठीक है एक बोल रहा है कि बारह घंटे की मैराथन ले आओ अरे वाह बारह की क्यों चौबीस की ना बोल दो मतलब मैं यहीं खड़ा रहता हूँ यहीं पर बैठ जाता हूँ यहीं पर सो जाता हूँ ठीक है और यहीं पर मैं सेशन ले लूंगा बारह घंटे की मैराथन ले आओ ये नहीं कि ये इसी को रिवाइज कर लें अच्छे से जो पढ़ाया जा रहा है ठीक है सारी डिमांड मेरे ऊपर है हाँ बारह घंटे की मैराथन ठीक है ये नहीं करोगे जो मैं करा रहा हूं इससे भी खुश नहीं है लोग हाँ इससे भी खुश नहीं है कि सर इतने बड़े बड़े सेशन लेके आ रहे हैं रोज बड़े बड़े सेशन लेके आ रहे हैं नहीं 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 सर बारह घंटे कराओ मतलब मैं बताता हूँ क्या है आप ना एक जो बस मुझे ऐसे देखना चाहते हो कि हमारे सामने एक शो चल रहा है एक एक बंदा शो कर रहा है बस वो देखें ठीक है हमें उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है हमें कितना सीखने को मिल रहा है वो मैटर नहीं करता बस वो शो चलता रहना चाहिए बारह घंटे का शो चले ठीक है चौदह घंटे का शो चले ठीक है बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसका डी इज़ द करेक्ट आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर सबने डी दिया था हाँ इंपॉर्टेंट तो तो सभी सभी तो है ठीक है जो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर इंडिया चाइना भी थे और उसके अलावा यू ए आर हो गया इंडोनेशिया हो गया बर्मा हो गया हो गया कंबोडिया भी हो गया ये भी थे और इनका कॉन्फ्रेंस हुई थी दिसंबर दस बारह उन्नीस के अंदर ये छह नॉन अलाइन ग्रुप्स थे

दादा भाई एनरोजी द्वारा प्रचारित धन निष्काशन सिद्धांत का मूल तत्व इसमें निहित नहीं है वॉट कॉन्सूट द क्रक्स ऑफ द ड्रेन थ्योरी हाईलाइटेड बाय दादा भाई इनरोजी हाँ जी बताइए सो अब्यूज ऑफ ट्रेड प्रैक्टिस बाय द मर्चेंट्स ऑफ द रूलिंग रेस रियासत राजा उसे अनुचित तरीके से धन प्राप्त और उसे इंग्लैंड भेजना भारत एक तरफा निर्यात ब्रिटिश उत्पादित वस्तु को भारतीय बाजारों में भरा देना तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का पार्ट नहीं है तो कौन सा ड्रेन ऑफ वेल्थ का पार्ट नहीं है करेक्ट आंसर क्या है इसका अरे कहा गया भाई रुक जाओ <laughs> हा तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का पार्ट कौन सा नहीं है बिल्कुल ठीक है तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ क्या है कि यहां से वेल्थ जो थी इंडिया से कहा चली जा रही थी इंग्लैंड के अंदर चली जा रही थी ओके सो ऑफ ट्रेड होगा 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 तभी तभी तो तभी तो है ना यानी कि का मतलब क्या होता है एक तरफ से फ्री ट्रेड था वहां से यहाँ सामान यहाँ पे बेचते थे लेकिन यहाँ का सामान बाहर नहीं जाता था क्योंकि वो टैक्सेस लगा देते थे ठीक है तो वहां से यहाँ सामान आसानी से आ जाएगा लेकिन यहां से वहां नहीं जाएगा ठीक है पहला बिल्कुल ठीक है दूसरा देखो भाई दूसरा देखो इल गॉडन मनी टेकन फ्रॉम द फ्रॉमस कोई भी किसी भी तरीके से पैसे यहां से हड़प लो और उसको लेके चले जाओ वहां चले जाओ इंग्लैंड के अंदर लेके चले जाओ ठीक है चौथा देखो ग्लटिंग ऑफ इंडियन मार्केट्स विद द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सारा का सामान सामान लेके यहां पे भेज दो यहां पे डंप कर दो उससे उससे होगा क्या? उससे होगा होगा क्या क्या यहां की इंडस्ट्रीज खत्म ही हो जाएंगी और पैसे का पैसा उधर चला जाएगा अनरिक्विटेड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया भारत से एक तरफा निर्यात भारत से एक तरफा निर्यात एक तरफा निर्यात तो होता ही नहीं था मतलब यहां से एक तरफ निर्यात तो होता ही नहीं था ये तो वैसे गलत हो गया अनिक्वेटेड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया से उधर नहीं जाता था सामान वहां से आता था इधर ठीक है तो यहां से उधर नहीं जा रहा है एक्सपोर्ट नहीं जा रहा है उधर की तरफ उधर से इधर सामान आ रहा है तो करेक्ट आंसर क्या हो गया सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए बताइए ंडली काश सबा, सरीन सभा श्री नारायण धर्म परिपलना सभा पंजाब महाराष्ट्र केरला उत्तर प्रदेश अरे भाई मैं यहां समझा रहा हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्कशन चल रहा है कि भाई मैराथन चल रही है मैराथन चल रही है मतलब सुन नहीं रहे हो मैराथन के ऊपर ही डिस्कशन चल रहा है उसी के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं बताइए आंसर क्या है करेक्ट so, आंसर क्या है यहां ए इज द करेक्ट आंसर ए इज सबसे पहले कौन सा हो गया परामंस मंडली परमंश मंडली महाराष्ट्र कायस्त सभा उत्तर प्रदेश सरीन सभा पंजाब एंड नारायण धर्म परिपलना सभा केरला तो क्या एसोसिएशन कहां, कहां पे थी रहमतुल्ला उल्ला सयानी बद्रुद्दीन तायब जी ठीक है ठीक है ठीक है मौलाना अबुल कलाम आजाद नवाब सैयद महमूद इनका साल आईएनसी के जो कांग्रेस लीडर थे ठीक है और किन साल से मैच करना है बताइए सी इज द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर तो सबसे पहले कौन सा हो गया आ, देख लो आप सारे सारे देख लो एक साथ डब्ल्यू सी बैनर जी एटीन एटी फाइव दादा भाई नरोजी एटीन एटी सिक्स बदरुद्दीन ताइब जी एटीन जॉर्ज यूल एटीन विलियम वैडरबन एटीन फिर ओशा मेहता एटीन नाइनटी पेनक कपरम आनंद चरलू पी सी चरलू देन पीसी सी यान देन उसके बाद uh, 1891 हो गया उमेश चंद्र बैनर्जी एटीन दादा भाई नरोजी एटीन नाइनटी थ्री एफ रेडवेब एटीन नाइनटी फोर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एटीन नाइनटी फाइव एम से 1896, एस संकर नायर एटीन नाइनटी सेवन आनंद मोहन बोस 1898 एट आर सिदार्थ एटीन नाइनटी नाइन एन जी चंद्रवाकर एटीन नाइनटी नाइनटी 19, नाइन नाइनटीन अरे नाइनटीन हंड्रेड भाई ठीक है दिन शाह नाइनटीन ओ वन सुरन्द्राथ बैनर्जी लाल मोहन गोश्ठ नाइन थ्री हेनरी कॉटन 1904 गोपाल कृष्ण गोखले नाइन दादा भाई रास बिहारी घोष नाइनटीन ओ सेवन मदन मोहन मालवे नाइनटीन ओ नाइन नाइनटीन टेन नारायण दस नाइनटीन इलेवन आर एन देन उसके बाद इम्पोर्टेंट कौन सा है आया अंबिका मजुदाटी

जे एल नेहरू ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी सिक्स थर्टी वल्लभ भाई पटेल थर्टी वन मदन मोहन मालवी थर्टी टू एन सेंगुप्ता थर्टी थ्री नीली सेनगुप्ता नाइनटीन थर्टी थ्री राजेंद्र प्रसाद थर्टी फाइव थर्टी नाइन सुभाष चंद्र बोस थर्टी एट थर्टी नाइन अबुल कलाम नाइनटीन फोर्टी सिक्स से 40 फोर्टी से फोर्टी सिक्स फोर्टी से फोर्टी सिक्स दैन कृपाली फोर्टी सिक्स से फोर्टी सेवन पताबी सुत्राया फोर्टी एट से फोर्टी नाइन पुरुषमदास टंडन नाइन्टीन फिफ्टी नेहरू 1951-55, 55-59, इंदिरा गांधी 59. इतना कर लो बहुत है, ठीक है? चले। ठीक है? ठीक ठीक वर्किंग ऑफ डायर एक तो से काम नहीं करती है क्या कौन सा वैलिड क्रिटिसिज्म है सबको पता है ना ट्रांसफर्ड एंड ठीक है ट्रांसफर एंड अब बताओ भाई ध्यान से देखो एक ये बोल रहा है कि वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं है कि ये वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं है ये सही ये सही तरीका नहीं आप आपको क्रिटिसाइज करने का कि इस तरीके से नहीं चलता है बताओ बताइए सो so,

पैसे भी नहीं दिए हैं समझ में आया समझ में आया तो करेक्ट आंसर क्या है डी इज करेक्ट आंसर डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहां से लिए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल अब आप कहोगे सर ऐसा भी क्वेश्चन आता है हाँ भाई लास्ट ईयर 2023 में जून में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आया था तो यह भी आ सकता है कि डायरेक्ट प्रिंसिपल कब आए किससे बोरो किए फंडामेंटल राइट किससे किए फंडामेंटल ड्यूटीज किससे बोरो किए करेक्ट आंसर क्या है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी आयरिश से फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से यूएसआर वाले कॉन्स्टिट्यूशन से एंड फंडामेंटल राइट यूएसए से ठीक है फंडामेंटल ड्यूटीज कब आई थी 1942 सरदार स्वर्ण कमेटी तो ये कितनी है 11 है ठीक है याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इंडियन प्रेस एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट ये क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भाई ओके एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एक्ट के ऊपर बताओ करेक्ट आंसर क्या है तो सबसे पहले कौन सा हो गया सबसे पहले हो गया रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट एटीन सिक्सटी सेवन ठीक है छोड़ो यार यार <laughs> क्या करोगे जान के हाँ आ तो गया आंसर क्या करना जान के अभी कहोगे नहीं सर बता दो बता दो ठीक है उन्नीस सौ चार ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट एक्ट इंडियन प्रेस एक्ट उन्नीस 1931 दस उन्नीस सौ ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है डी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट चलो ददनी ददनी क्या है ददनी बिकेम वाइड स्प्रेड आफ्टर कमिंग पहले तो ऑप्शन देख लो ऑप्शन <laughs> ठीक है हाँ जी ऑप्शन ठीक है आप पढ़ो ददनी बिकेम वाइड स्प्रेड आफ्टर कमिंग ऑफ कंपनीज इन इंडिया ददनी वॉज यूज बाई दाइंडिंग प्रोड्यूसर्स इन द फेस ऑफ कॉम्पिटिशन एंड मर्चेंट्स बताइए आप करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर क्या है पिछले वाले में कोई गड़बड़ थी क्या हाँ इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट सबसे आखिरी है 1931. ठीक है सो करेक्ट so, क्या है इसका दोनों सही है कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल ठीक है दोनों ही सही है कोई दिक्कत नहीं है इज अ करेक्ट आंसर ददनी क्या होता है एडवांस दे देना एडवांस पे बोल देना कि आप हमारे सामान हमें बेचोगे

पंडित राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही नहीं है उसने शास्त्रों का पूरा ज्ञान ज्ञान था उनका धर्मांतरण ईसाई धर्म में हुआ था उनका विवाह निम्न जाति के पुरुष के साथ नहीं हुआ था दिन चौथा वे चिकित्सा शा, शास्त्र के अध्ययन के लिए अमेरिका गई और बंबई में विधवा आश्रम की स्थापना के लिए धन जुटाने के लिए इंग्लैंड गई बताइए गलत कौन सा है बताओ सी इज द कलेक्ट आंसर सी इज द गलत आंसर तो पहला पहले तो उन्होंने लोअर कास्ट मिन से शादी की थी देन अमेरिका नहीं गई थी तो ये गलत हो गया ये दोनों गलत हो गए शास्त्राज उनको आते थे क्रिस्टनिटी के अंदर उन्होंने कन्वर्जन कर लिया तो बिल्कुल ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है गलत 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 परमानेंट सेटलमेंट के रिस्पेक्ट में गलत जमींदार एंड रेवेन्यू कलेक्टर्स नॉट ओनली एक्ट एज एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट इन कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू बट आल्सो बिकम ओनर्स ऑफ द लैंड जमींदार्स वर्ट टू गिव हाफ ऑफ द रेंटल दे डिराड फ्रॉम कल्टीवेटर्स एंड कीप द रेस्ट फॉर देमसेल्फ़ तीसरा देन तीसरा क्या बोल रहा है तीसरा इफ़ द क्रॉप्स फेल द गवर्नमेंट गिव रिमिशन इन रेंट टू कल्टीवेटर्स दीज देनरशिप वॉज मेड हेरिटरी एंड ट्रांसफरेबल अच्छा हाँ अमेरिका गई थी पुणे वाला है पुणे वाला है ना ये वाला अमेरिका गई थी एंड पुणे अच्छा ये है पुणे तो ये इस वजह से गलत है ओके ठीक है ठीक है थैंक यू वेरी मच चलो नेक्स्ट बताइए 1793 परमानेंट सेटलमेंट बताओ करेक्ट आंसर क्या है हिंदी इंग्लिश स्टेटमेंट गलत कैसे गलत है बंबई वाला पॉइंट गलत हो गया ना बंबई 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 गलत कैसे है और क्या गलत है सही है वो तो ठीक है आंसर अब इसका सत्रह सौ तिरानवे स्थायी बंदोबस्त उसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन है बताओ करेक्ट आंसर क्या है यहां पे करेक्ट आंसर सो बताओ जल्दी फटाफट करेक्ट आंसर क्या है यहां पे सी इज द करेक्ट आंसर यस ट्रांसफरेबल थी हेडिट्री बोलते थे कि हेडिट्री है लेकिन वो ट्रांसफरेबल ही था उनकी जमीन सी नहीं किसी और को ट्रांसफर कर देते थे बी सी देखो 1793 परमानेंट सेटलमेंट ज़मींदारों के साथ साइन की गई थी उनको कितना पे करना पड़ता था एक बटा ग्यारह रखना पड़ता था अपने पास एंड दस बटा ग्यारह कंपनी को पे करना पड़ता था तो यह गलत हो गया अगर क्रॉप फेल हो जाती तो तो बाहर में जाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें नहीं फर्क पड़ता तो भी गलत हो गए था और ट्रांसफरेबल भी था तो करेक्ट आंसर, आंसर। मुंबई ना समाचार बॉम्बे दर्पण इंडियन स्टेट्समैन हिंदू पेट्रियॉट बाल शास्त्री जाम्बेडकर गिरीश चंद्र घोष फारदी मुस्बान एंड रॉबर्ट नाइट एट्टी फिफ्थ <स्याँगी> बताइए भाई एट्टी फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या है एट्टी का है बाबा सी इज द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर एट्टी फिफ्थ सी तो बॉम्बई नो समाचार किससे जुड़ा हुआ है फारदंग फारद बाल शास्त्री जाम्बे कर ठीक है देन उसके बाद कहाँ पे पहुंचते हैं हम पहुंचते हैं फिर इंडियन स्टेट्समैन इंडियन स्टेट्समैन मैन होकर रॉबर्ट नाइट हिंदू पेट्रियॉर्ट गिरीश चंद्र कर तो करेक्ट आंसर गिरीश चंद्र घोष तो करेक्ट आंसर सी एट्टी सिक्स क्रोनोलॉजिकली अरेंज एंड साल भी बता दो साल भी बता दो साल मैकडॉनल्ड स्टैच्यू लॉयल कैम्बिल बताओ भाई साल भी बताइए भाई सभी साल बताओ साल भी बताना है आप लोगों को अभी एक भी साल नहीं आया मेरे पास एक आ गया है मैकडॉनल आ गया है ठीक है हाँ मैकडोनल्ड आ गया उसके बाद का नहीं आया है ठीक है कैम्बल भी नहीं आया है कैम्बल ठीक है स्ट्रैची भी नहीं आया है करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर बताओ भाई पहले तो सबसे पहले आ गया इसमें कैम्बल सी इज करेक्ट आंसर ना ठीक है सी इज द करेक्ट आंसर सबसे पहले कैम्बल कैम्बल कब आ जाता है कैम्बल आता है अट्ठारह देन स्ट्रैची कब आएगा 1880 ठीक है एट्टीन एट्टी स्ट्रैची ठीक है लायल कब आएगा लायल कब आएगा मैकडोनल्ड तो 1900 हो गया लायल कब आएगा लायल 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 बताओ भाई जल्दी फटाफट एटीन किसी ने भी नहीं बताया क्या सब तीन तीन ही बता रहे हैं लायल कब आएगा किसी ने भी नहीं बताया एक अच्छा आ गया आ गया आ गया 18 सचिन ने बिल्कुल ठीक बताया ठीक है तो सी इज द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलो बढ़िया भाई क्वेश्चन कौन से मेंबर से इसमें खिलाफत के खिलाफत के कौन कौन मेंबर हैं शौकत अली हकीम अजमल खान हसरत मोहानी मुश्तफा नसरुद्दीन बारह घंटे की मैराथन <laughs> अच्छा जी शौकत अली हकीम अजमल खान मेरी तरफ से कोई बफरिंग नहीं हो रहा आपकी तरफ से बफरिंग हो रहा है भाई करेक्ट आंसर क्या है यहां पे तीन लोग जुड़े हुए थे ए, बी, सी ये तीनों लोग तो सी इज द करेक्ट आंसर ये नहीं जुड़े हुए थे मुस्तफा नसरुद्दीन तो करेक्ट आंसर क्या है सी इज द ग्रेक्ट आंसर एम सी राजे जगजीवन राम बी आर अंबेडकर महात्मा गांधी बताइए बताओ भाई जल्दी सो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाता है सेशन लाइक like भी कर दो भाई सभी के सभी सबसे करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है एम सी राजे एम सी राजे ऑल इंडिया क्लास एक मिनट यहाँ पे सबसे पहले महात्मा गांधी ऑल इंडिया हरिजन सभा देन बी आर अम्बेडकर हो जाते ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस देन एम सी राजे ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन देन जगजीवन राम ऑल इंडिया क्लास लीग तो करेक्ट आंसर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर भाई सभी सभी सेशन लाइक भी कर दो ठीक है जिन्होंने लाइक like नहीं किया है ओटावा ट्रेड एग्रीमेंट 1932 के अंदर आया था और इसमें यह था कि जो इसमें दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया था कि एक तो इम्पेरियलिस्ट हो गए इंपेरिस्ट मतलब साम्राज्यवादी और एक हो गए गैर साम्राज्यवादी नॉन इंपेरियलिस्ट तो इंपेरियलिस्ट के लिए कंसेशन होंगे ठीक है क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 के अंदर तो इम्पीरियस के लिए कंसेशन होंगे लेकिन जो गैर साम्राज्यवादी हैं उनके लिए हम ज्यादा से ज्यादा उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएंगे ठीक है तो ये था ओटावा डिक्लेरेशन इसमें यह स्टेटमेंट किसका है कि इसने इंडिया के इंटरेस्ट को कुचल दिया मतलब उसकी हत्या कर दी है यह कहा है 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 इंडिया के हितों की हत्या हुई ट्रेड डिक्लेरेशन में किससे किसने कहा है? ये कहा यह जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू ने तो करेक्ट आंसर क्या है सी इज द करेक्ट आंसर में से कौन राजनीति में एक महान नव प्रवक्ता था पूरी तरह से और सजग रूप से धर्मनिरपेक्ष होने के कारण वह राष्ट्र के समक्ष सांप्रदायिकता के खतरे को साफ साफ समझ रहा था जो अक्सर कहा करता था कि सांप्रदायिकता उतना ही बड़ा शत्रु है जितना बड़ा उपनिवेशवाद है कम्युनलिज्म बड़ा डेंजर है और इतना ही बड़ा डेंजर है जितना बड़ा कोलोनलिज्म uh, है किसकी स्टेटमेंट है चंद्रशेखर आजाद भगवत चरण वोरा भगवती चरण वोरा के बाद यशपाल या भगत सिंह किसकी स्टेटमेंट है यस इट इज भगत सिंह भगत सिंह ओके सो इंटी फिर नाइनटी चलो भाई हो वॉलिंग वॉज नॉट द मेंबर ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन तो सबसे पहले कौन सा कमीशन धार कमीशन दूसरा 1948 के अंदर धार कमीशन 1948 के एंड में जेवीपी कमीशन धार कमीशन एस के धार ने हेड किया था जेवीपी कमीशन जवाहरलाल नेहरू ने हेड किया था दोनों ने क्या रिकमेंड किया था कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस नहीं करेंगे लेकिन जो धार कमीशन आया उसने कहा कि चलो हम क्या करते हैं इसको कन्वीनियंस करते हैं मतलब लिंग्विस्टिक भी हो गया और भी इसने चार डिमांड रख दी थी कि इसके बेसिस पर करते हैं तो स्टेट रेशन कमीशन के अंदर एक मेंबर नहीं था तो कौन नहीं था कौन नहीं था शशिप्रदा बैनर्जी तो इसी के बेसिस पर आया था 1956 के अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इसके अंदर कौन-कौन थे हेड कौन थे इसके सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज फजल अली और उसके बाद एचएन कुंजू एंड के एम पणिक्कर तो करेक्ट आंसर क्या है डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बामा वो बामा वो देन महिला देन उसके बाद भारतीय सुप्रभास किसने क्या एडिट किया है बताइए किसने क्या एडिट किया है <गण> बी इज द करेक्ट आंसर बी बाबा बी, बी 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 तो भामा बोधनी बानी किसके द्वारा तो एडिट तो किया गया है उमेश चंद्र दत्ता देन महिला गिरीश चंद्र सेन भारती द्वेजनाथ दुवेंज, टैगोर एंड सुप्रभात कुमुदनी एंड एंड बसंत मित्रा तो बी इज द करेक्ट आंसर बी ओके नेक्स्ट देखो 92 टू क्रोलॉजिकली अरेंज करना है सुभाष चंद्र बोस कब मिले मिस्टर तोजो से सुभाष चंद्र बोस तेपई में कब आए आई एन एस्ताइा नेशनल फ्लैग ऑन द फ्रीय ऑफ इंडिया स्टैब्लिशमेंट ऑफ आई एन ए बताओ बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका ए इज द करेक्ट आंसर सबसे पहले तो आई एन ए की स्थापना बयालीस ठीक है तेतालीस में क्या हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस की मीटिंग देन चवालीस में ये पैतालीस में ये ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है ए इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट पे चलते हैं मैंने कहा था ना बॉम्बे मैनिफेस्टो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉम्बे मैनिफेस्टो उन्नीस के अंदर आया था बॉम्बे प्लान नाइनटीन में बॉम्बे मैनिफेस्टो का मेन ऑब्जेक्टिव जो सोशलिस्ट है उनको क्रिटिसाइज करना कि आपके जो साम्राज्य या जो सामंतवाद जो नीतियां हैं वो अच्छी नहीं है ठीक है तो बॉम्बे मैनिफेस्टो आया बड़े बड़े इंडस्ट्रलिस्ट थे उन्होंने साइन किया गया था यहाँ पे पूछा गया है दो लीडिंग इंडस्ट्रलिस्ट कौन थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ए डी श्रॉफ अम्बालाल सारा भाई देन वालचंद हीरा पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास वालचंद तो सी इज द करेक्ट आंसर इंडियन एसोसिएशन महाजनसभा बिम बॉम्बे एसोसिएशन पूना सार्वजनिक सभा साल कौन सा है अठारह सो बावन अठार सो सठस अठारह सो छिहत्तर अठारह सौ चौरासी बताइए करेक्ट आंसर क्या इसका करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर बी तो सबसे पहले देखो देखो पूना सार्वजनिक सभा 1867 के अंदर भी आता है 1870 में भी आता है ठीक है तो पूना सार्वजनिक सभा 1867 देन उसके बाद कहां पे पहुंचे इंडियन एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन 1876 महाजन सभा किधर पहुंच गए महाजन सभा 1884 बॉम्बे एसोसिएशन 1852 तो करेक्ट आंसर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर अगेन अभी मैंने स्टेट्स को बताया था आपको सतारा नागपुर झांसी एंड लास्ट में शामलपुर आसान है ना अभी आसान इसको अगर मैच कर दो अभी सारी स्टेट्स मैंने आपको बताई थी सो करेक्ट आंसर क्या है यहां पे सतारा अट्ठारह सौ अड़तालीस हो गया इसी से ही

सो डी इज करेक्ट आंसर सबसे पहले कौन सा हो जाता है सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस उन्नीस सौ ग्यारह याद रखिएगा ठीक है थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आई आई टी रुड की अठारह सौतालीस ठीक है बाद कहां पे पहुंचते हैं बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट उन्नीस सौ सत्रह एंड आखिरी में एच बी टी आई उन्नीस सौ इक्कीस याद रखना ठीक है राधाकांत रे सुब्रमण्यम भारती भाई वीर सिंह केरला वर्मा किसने कौन कौन सी भाषाओं के अंदर लिखा गया है पंजाबी मलयालम उड़िया तमिल कौन कौन सी भाषाओं में लिखा गया है कौन कौन सी भाषाओं में लिखा गया है लास्ट ईयर 2023 में आया था ठीक है क्वेश्चन या पहले का है लेकिन रिपीट हो गया दो में आया था करेक्ट आंसर क्या है ए पक्का चलो देख लेते हैं सुब्रमण्यम भारतीय हो गया केरला वरला और मलयालम हो गया ठीक है तो बी का चार बी का चार बी का चार देन उसके बाद केरला वर्मा डी का दो डी का दो अरे बाप रे ठीक है दोनों इधर दे दिया देन उसके बाद राधा कान देव राधा कान देव देख लेते राधा कांत राय Uh, रे उड़िया ठीक है एंड भाई वीर सिंह पंजाबी अच्छा अच्छा इससे हो जाएगा भाई सिंह पंजाबी से ठीक है तो करेक्ट आंसर ठीक है कारवे जे के देवधर मिस रानडे भाई रामा भाई रनड़े वीर संगलम पुटलू कौन कौन सी एसोसिएशन है सेवा सदन शारदा सदन राजा मुड्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन आनथ बालिका आश्रम बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है इसका डी बाबा डी डी सबसे पहले पंडित अनाभा शारदा सदन मेयर शिडी के कारवे आनंद वाली का आश्रम

बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या होगा इसका बढ़िया क्वेश्चन एकदम लास्ट ईयर 2023 में आया था सो so, पहला गलत दूसरा गलत क्यों गलत नरेंद्रनाथ दत्ता चक्रवर्ती नहीं है शिकागो है न्यूयॉर्क नहीं है तो सी डी सही है करेक्ट आंसर क्या है ए इज करेक्ट आंसर सही है ए इज करेक्ट आंसर सिंपल बिल्कुल देन आगे की तरफ चलते हैं देखो मैंने बताया था ना केरला वर्मा वर्मा ठीक है अभी देखो आपको मैच में दिखाया था लास्ट क्वेश्चन है डेथ ऑफ तो बारतांदो हरिश्चंद्र इंडियन एसोसिएशन सेंट्स द्वारकानाथ गांगुली टू तो इनक्वायर इनटू तो कंडीशन ऑफ गार्डन लेबर ऑफ असम देव देव समाज फाउंडेड बाय शिवनारायण अग्निहोत्री सी वी राम रमन पिल्लई राइट्स द मलयालम नोवल मार्तांद वर्मा लास्ट क्वेश्चन न्यूयॉर्क गए थे भाई लेकिन जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन थी वो शिकागो के अंदर हुई थी न्यूयॉर्क भी गए थे इसका मतलब ये नहीं कि न्यूयॉर्क नहीं गए थे बताइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन सौवा क्वेश्चन है सौवा क्वेश्चन है सभी लोग सेशन लाइक कर दो लास्ट क्वेश्चन है भाई कल मिलेंगे फिर बड़ी मैराथन के लिए लगातार रोज ही मैराथन करेंगे तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या है सी इज द करेक्ट आंसर सी तो इसका ऑर्डर क्या है ये देख लो 1882 केरला वर्मा उनका ड्रामा ट्रांसलेटेड द संस्कृत ड्रामा अभिजनता शंकरनंत मलयालम डेथ ऑफ तो भारतेंदु हरिश्चंद्र 1885 वाराणसी इंडियन एसोसिएशन द्वारकानाथ टैगोर 1885 के अंदर भेजा गया था

आज हम दो में हैं तीन चार पाँच तीन ही दी हमारे पास ठीक है ओके सही है मज़ा आ रहा है तैयारी बढ़िया चल रही है मज़ा आ रहा है तैयारी बढ़िया चल रही है कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो हो जाएगा जी आर एफ इस बार हो जाएगा ना हो जाएगा या नहीं होगा हो जाएगा ना ठीक है पीडीएफ कहां पे मिलेगा पीडीएफ मिलेगा यहां पे इस टेलीग्राम चैनल पे अश्विनी सर टेस्ट बुक पे ठीक है छह बजे होगी रेगुलर अभी क्लास अश्विनी सर टेक्स्ट बुक पे आपको पीडीएफ मिलेगा पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ता है आपको अटेंडेंस मार्क करनी पड़ती है यहाँ पे ना प्रॉपर अटेंडेंस वाला सिस्टम है तो जो भी कोई नए स्टूडेंट है उनको मैं बता देता हूँ कि ये प्रॉपर अटेंडेंस चलता है यहाँ पे ठीक है आपको अटेंडेंस मार्क करनी होती है ठीक है भले ही आप मुझसे वर्चुअली कनेक्टेड हो यूट्यूब के थ्रू कनेक्टेड हो लेकिन आपको अटेंडेंस मार्क करनी पड़ती है भाई तो अटेंडेंस मार्क करनी है यहाँ पे ठीक है अटेंडेंस प्रेजेंट सर होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देना है तो बच्चों की तरह आंसर भी देना है एबीसीडी फिर सेशन की फीडबैक भी शेयर करनी है कि सर अच्छा सेशन था यह मुझे इस पार्ट में दिक्कत है ठीक है तो प्रॉपर पूरा सिस्टम चलता है फीडबैक भी करनी है और ये पूरा सिस्टम अब करना है कमेंट सेक्शन के अंदर और जब मेरे पास 50 प्लस अटेंडेंस आ जाएगी तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा ठीक है तो ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन थैंक यू वेरी मच मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल छह बजे और मैराथन करते हैं कल होगी मैराथन नंबर वन फिर मैराथन नंबर टू फिर मैराथन नंबर थ्री ठीक है थैंक यू वेरी मच गुड बाय एंड take care